अच्छा मुझे किधर देखने का है? तूने लिंक भेजी मेरे को? ओके राजा बेटा जी, सभी लोग एक बार सीधे बैठ जाएंगे, पूरी क्लास बी क्विक। एक कहां से आवाज आ रही है? एक दो मिनट ऑनलाइन लाइव, एक दो मिनट शांति बनाए रखना आप। मैं पहले इधर हैंडल कर लूं, फिर उसके बाद मैं आपसे भी बात करता हूं। जस्ट गिव मी अ वाइल। संतोष करना, जल्दी खत्म, दरवाजा बंद कर जल्दी से। ए डार्लिंग क्या प्रॉब्लम है, बोलना। बिठाना जल्दी से यार, सड़ा मत, बिठा बिठा जल्दी कर। संतोष भेजना, खत्म करे यार। ए तीन चार लोग को भेज के खत्म कर संतोष, जल्दी क्विक कर। वो किधर है, वो क्या नाम है अपना, अमर किधर है? ए जल्दी से आज बिठा के खत्म करो, बाकी की चीज फिर मैं मैनेज करता हूं कल। ए इधर फर्स्ट बेंच पे आओ रे, जिसको बैठने का इधर है, इधर जगह है, इधर है जगह, तीन बेंचेस पर आओ। उधर इधर जगह देख, अंदर सरक सरकना अंदर ढुकले। अरे गुड़िया ठीक है, तू इधर आके तो फिर उसको भेज दे अंदर। संतोष करेगा क्या आज? अश्लील हो अश्लील। ए संतोष करना यार जल्दी, चालू करता ना अभी लेक्चर। इधर सोलापुर से कितने लोग रहे? हा हा मेरे गांव वालों, लव यू लव यू। कभी कुछ रहा तो याद करना, सेवा का मौका देना। सोलापुर का दगड़ दरी आला तो मला खूब भारी वाटत है। क्या हो गया? चल भाई, ए नाउ आई वांट एवरीवन टू सिट, बी क्विक बी फास्ट, विल स्टार्ट विद द स्टोरी। ओके भाई रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद जा तू जल्दी से, पूरी क्लास जल्दी से एक बार सीधी बैठ जाएगी। बी क्विक बी फास्ट, जल्दी से सीधी बैठ जाएगी। सभी लोगों को मेरा राधे राधे, और आशा करता हूं कि आपका दिन बहुत शुभ रहा आज का, राइट? अभी जल्दी से एक बार गुड आफ्टरनून बोल दो, वही चेहरे पर एकदम प्यारी सी स्माइल जो उसको दोगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ज्यादा जोर से मत बोलो और कहीं कष्ट होगा। सो अभी मेरी एक बात ध्यान से सुनते हैं। सो टुडे व्हाट आर वी गोना डू इज वी आर गोना अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस, और टुडे ओनली वी विल स्टार्ट विद आवर होल स्टफ, क्या कहते हैं उसको, सिलेबस भी आज ही शुरू करेंगे हम। तो जरा शांति से सुनना, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है जब आपको कैसे पढ़ाई करनी इसके बारे में सारी चीजें बता दी जाती है, ठीक है? मैं सीए आनंद भंगड़िया हूँ, शायद आप जानते होंगे, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर योर, मत करे यार, अरे रुक जा मेरे भाई, मैंने सादी सी चीज बोली, और मैं आपको ये बता रहा था कि थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड अफेक्शन। बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, ऐसे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा अच्छा मुझे
लास्ट डे तक लगे, इसी तरीके से रेगुलर रहना, ठीक है, बीच में कांड मत करियो। सो पहले एक काम कर लेते, फिर विल प्रोसीड एड। ओके, क्या मैंने कल रात को बहुत बैठा हूं मैं, और मैंने पावर पॉइंट, मैंने बोला मैं बैठा हूं, बात को समझो सर, कहां घोड़े दौड़ते तुम्हारे पता नहीं यार। सो मैं आपको ये बता रहा था कि कल बहुत देर तक बैठा मैं, और ये पीपीटी बनाई है मैंने, अब तुमको देखनी पड़ेगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अबे होती कैसे इधर से। हाँ देख लो, तो वेलकम टू एडवांस अकाउंट्स। सो मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, ग्रुप वन में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, फिर अभी एडवांस अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। चलो अभी सीरियस, पता नहीं आज सीरियस क्यों नहीं हो रहा हूं मैं खुद ही। सो फर्स्ट पॉइंट पर सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, एंड वी आर गोना राइट डाउन द सिलेबस। सिलेबस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस चीज भी लिखेंगे, सो राइट डाउन द हेडिंग सिलेबस। सो टेबल ऑफ कंटेंट में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा बता देता हूँ। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सिलेबस टुडे, देन आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द बुक्स एंड हाउ टू यूज देम। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानर ऑल्सो फॉर यू ऑल, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स का रूल ये है कि एक टांगती तलवार है, या तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने एक ग्रुप दिया है फिर अभी एक ग्रुप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वापिस से। सो मतलब कुल मिलाकर एक टांगती तलवार रहती है ग्रुप टू में। द रिस्क इन कंपेरिजन टू ग्रुप वन इन ग्रुप टू इज वेरी हाई। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रुप टू में कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, डे वन से अगर हम प्लान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा, एएस के आनंद के बारे में बताऊंगा, हैंड रिटन नोट्स, वीडियो लेक्चर्स बैकअप, मैराथन रिवीजन लेक्चर्स। इसके अलावा अगर आपकी और कोई जरूरत या रिक्वायरमेंट होगी तो बता देना। इस बैच के सारे फीचर्स जो आपको अभी बताए जा रहे हैं, यू विल बी ऑल गेटिंग ऑल दोज स्टफ, ठीक है। सो पहली चीज है सिलेबस। सो बेटा जी सिलेबस में चल बे, यू विल बी गेटिंग हाउ मेनी बुक्स आई टेल यू, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर। हर बार ये पहला ही वाला दिखा रहा हूं ना मैं, हाँ यूनिट वन ये पकड़ बे, ये यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, यूनिट फाइव, दिस इज एएस का आनंद, एंड दिस इज अगेन एएस का आनंद, एंड दिस इज द क्वेश्चन बैंक। ये थोड़ा मोटे हो गए। सो दिस आर हाउ मेनी बुक्स, कितने यूनिट हो गए बे, पांच यूनिट, और एएस के आनंद के दो बुक। इसके अलावा एक डिजिटल बुक मिलेगी आपको, एक डिजिटल बुक मिलेगी, दैट इज द बेयर टेक्स्ट फॉर एएस, और एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक इज कि अगर कोई नए लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपको सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में मिलती है। तो डिजिटल फॉर्मेट में आपको कितनी चीजें मिलेगी, दो, और बुक्स कितनी मिलेगी, पांच, और एएस के बुक फिजिकल कॉपी में मिलेगी दो। सो टोटल कितनी बुक्स मिलनी चाहिए आपको, सात, सेवन बुक्स। ये कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज की नोट्स, बट अभी जो चीजें जिस तरीके से बनाई है उसके हिसाब से उसमें भी काम चल जाएगा। तो ये मिल गया तो बेस्ट है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कितना पढ़ोगे बे, समझो मेरी बात को, तो ठीक है, बट दिस बुक ऑल्सो आई थिंक यू गेट इट। मिलती है क्या इनको, अच्छा तुम ऐसे लिए है फिर, ठीक है सुन लो फिर। सिलेबस लिख दो बेटा जी, फर्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये एक सब्जेक्ट की है, यस बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लिखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आज हम इसी टॉपिक से शुरू करने वाले, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद में नेक्स्ट है अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म, अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म। द थर्ड वन इज इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसॉप। आफ्टर इसॉप यू हैव गॉट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आफ्टर दैट यू हैव गॉट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये ऐसा क्यों दिख रहा है इधर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स।
फिर अगला टॉपिक है राजा बेटा जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रसगुल्ले इधर आ जा, इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जा, ऐसे नहीं जाते रसगुल्ले, इंसान जाता है बैठ। क्या लिखा बेटा? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तक आ गए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देन द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। देन यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। देन यू हैव गॉट होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट या होल्डिंग कंपनी अकाउंट, होल्डिंग कंपनी अकाउंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। एंड द लास्ट टॉपिक इन चैप्टर वाइज इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। हैव यू अंडरस्टूड? हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर? 10। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव गॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सो वील राइट डाउन द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट, फिर तुम्हारा नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन मैं हैंडल करूंगा कि कितने चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कौन सी चीज की बिना प्रिपरेशन करे जा सकते हैं, है ना, तो सब बता दूंगा। तो चिंता मत करना, मतलब आपको कम से कम पढ़ाई में केस कहां लिखे, तो साथ में रहना चाहिए ना सिलेबस के। यस, सो कैन यू प्लीज राइट डाउन एएस के नाम्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखो। एएस की कितनी बुक्स मिलेंगी आपको? 3। वन इज एएस कानंद, दिस इज अ थेरी बुक, एंड देन देर इज एएस कानंद क्वेश्चन बैंक, एंड एएस कानंद बेरेक्ट। बेरेक्ट वुड बी अ डिजिटल बुक विच विल गेट, ये डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी क्योंकि हमको इसको पढ़ना नहीं है, कभी कभार हमको रेफर करने के लिए लगेगा, तो रेफरेंस के लिए वो चीज है ना। तो राइट डाउन द फर्स्ट वन, AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date, contingencies and events occurring after the balance sheet date, contingencies and events occurring after the balance sheet date, okay. Write down AS5, pehla wala likh liya 4, now write down AS5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो क्या हुआ? नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। This was AS5. AS6 is deleted. Any which ways it is not there. AS7, write down construction contracts. AS7, construction contract. AS7, construction contract. AS9, revenue recognition. AS9, revenue recognition, revenue recognition, AS9, revenue recognition. AS14, accounting for amalgamation, AS14, accounting for amalgamation, AS14, accounting for amalgamation. AS17, segment reporting, AS17, segment reporting. AS18, related party disclosures, AS18,
रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, AS 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस, AS 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस. देन यू हैव गॉट नेक्स्ट AS 20 वॉरेन बफेट का स्टैंडर्ड, अर्निंग पर शेयर, AS 20 अर्निंग पर शेयर. AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. AS 26 इनटेंजिबल असेट्स, AS 26 इनटेंजिबल असेट्स. AS 29 provisions contingent liabilities and contingent assets. Okay, so this is your syllabus. Now let me tell you, सो वी वर हियर कि सिलेबस हमने किया. सिलेबस के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू नीड टू हैव अ कीन ईयर ऑन दैट. पहले मैं आपको कुछ कॉमन मिथ्स बताऊंगा कि जो लोग आपको इसके बारे में बताएंगे, और मेरी रीडिंग क्या है, और इंस्टीट्यूट के जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ उन लोगों से हमें जो फीडबैक मिलता है कि क्या चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. आपको जिन बच्चों ने ग्रुप वन के पेपर दिए होंगे वो इस बात से भली भांति सहमत होंगे कि पेपर का पैटर्न इज इवॉल्विंग एंड चेंजिंग. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस. जिन बच्चों ने ग्रुप वन के पेपर दिए, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन ग्रुप वन पेपर? ओके, तो क्या जो मैं बोल रहा हूँ बात सही है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है और होते रहेगा? किसी भी तरीके से ये मत सोचना कि आप किसी टॉपिक को इसको छोड़ दोगे तो आप पास हो जाओगे. वो एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक काफ़ी होगा आपको हर एक चीज़ में फेल करने के लिए. Can you just imagine this time in advanced accounts they asked you on AS नहीं बोलेंगे amalgamation topic and consolidation topic 50 marks question. मतलब जो आपको ये topic दिख रहा है यहाँ पर amalgamation, नीचे दिख रहा है accounting for amalgamation topic number 7 and topic number 8, they asked how many marks? 50 marks. There were two questions of 15 marks each on holding company and there was one question of 20 marks on amalgamation. So in totality there was 50 marks weightage on that. First question was compulsory, that was on AS, right? And AS were all very easy. So 70 marks paper is what I'm telling you was devoted on a very less part of the syllabus. जब इस प्रकार का पेपर आता है, और अगर मान लो आपने अमालगमेशन को ऑप्शन में छोड़ा होगा या मान लो आपने कंसोलिडेशन को ऑप्शन में छोड़ा होगा तो बैंड बज जाती है. मेरा बच्चा अगर सही से पढ़ना चाहता है और पास होना चाहता है, और अगर वो अपने करियर को इस तरीके से देखता है कि थोड़ा सा और एफर्ट देकर अगर मुझे ज़िंदगी भर सुकून मिल रहा है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है तो मैं आपको ये 100% बोलूँगा, कहीं पर भी एनकरेज नहीं करूँगा कि आप किसी भी पार्ट को छोड़ के जाओ. सर क्या ये मुमकिन है उतने गिवन टाइम में? अगर आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करोगे, अगर आप लोगों से ये नहीं लोगे, सजेशंस नहीं लोगे, खुद की प्लानिंग खुद करोगे, तो मुझे लगता है कि बहुत मुमकिन है, आराम से है. एक भी टॉपिक ऑप्शन में छोड़ने जैसा नहीं है. आई रिपीट इट अगेन, एक भी टॉपिक ऑप्शन में छोड़ने जैसा नहीं है. हर बार अलग अलग टॉपिक पर कभी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए, कभी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए, और वो एक टॉपिक पर जो क्वेश्चन आता है
तो वो जनरली इजी होता है, जिसको जनरली बच्चा छोड़ के चला जाता है कि ये वाला पार्ट क्यों करेंगे, छोड़ के चला जाता है और फिर उसी चीज़ पर 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ बैंड बज जाती है। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक। रूल नंबर वन इज क्लियर। ओके, मैं इसी चीज़ के साथ एक और चीज़ बता दूँ इन सभी फीचर्स में। अच्छा, वो लास्ट में बताऊँगा, मेरे को एक चीज़ बतानी। ये सिलेबस सभी को समझ में आ गया? ऑलराइट, इसको मैं पढ़ाऊंगा कैसे? सो आई विल स्टार्ट विद डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसके थ्रू मैं पढ़ाता हूँ। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इजी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। आई विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक विच इज गॉट अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स ऑल्सो एज अ वन क्वेश्चन इन एग्जाम। वाई एम आई स्टार्टिंग दिस? क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि बच्चा अटेंडेंस भी अच्छा होता है और ग्रुप टू में बच्चा है तो मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि वो सिंसियर है, क्योंकि या तो उसने ग्रुप वन के एग्जाम दिया, ग्रुप वन ऑलरेडी अटेंड कर चुका है, तो इन दैट केस आई बिलीव दैट ही इज सिंसियर इनफ। ऐसा कोई भी बच्चा है जिसने ग्रुप वन का क्लास नहीं किया और डायरेक्टली ग्रुप टू में? इधर एनी वन? ओके, वन। सो यू नीड टू मीट मी आफ्टर द क्लास, आई विल गिव यू सम वीडियोज फ्रॉम माई साइड सो दैट यू नीड टू गो थ्रू देम फर्स्ट। ओके, दोज आर मैंडेटरी, नॉट इमीजिएटली, दिस टॉपिक वोंट रिक्वायर इट, बट यू नीड टू डू दैट। सो आप सभी लोगों को समझ में आए, तो इस दिन में सिलेबस आज ही शुरू होगा और ये फास्ट पेस पर रहेगा। आपको डे वन से ही आपको जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। ये जैसे हम ग्रुप वन शुरू किए थे वैसे नहीं चलेगा, ये चलेगा धड़ाधड़। आगे बात देना, धड़ाधड़ मतलब समझेंगे सारी चीज़ें, बट इसमें अभी पेस पकड़ लेंगे हम बहुत फास्ट। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होगा कि आपने डे वन से पढ़ाई करना शुरू रखना, सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू यू नो रिकैप द थिंग्स। बीकॉम एग्जाम्स की वजह से या किसी एग्जाम्स की वजह से इसको साइडलाइन मत करना, ये बैकअप में कवर नहीं होते। इज दैट ओके? सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट दैट कि आप सी ए को प्रायोरिटी बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग इनकम देने वाला है सी ए। जो बाकी की कोई भी चीज़ है वो लाइफ लॉन्ग आपको इनकम नहीं देंगे। अगर फैमिली का इशू है तो छुट्टी ले लेना, तबीयत का इशू है तो छुट्टी ले लेना, बाकी किसी भी चीज़ की वजह से इस चीज़ के लिए आप छुट्टी नहीं ले सकते। ये मेरा तरीका है बोलने का। फैमिली के लिए ले लो, कोई बीमार है, क्योंकि वो आपके करियर से इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले जान है तो जान है, उसके लिए ले लो छुट्टी। तीसरी चीज़, कोई नहीं आ सकती इसके अलावा कि भाई साहब इस चीज़ के लिए छुट्टी ली। नो, यू शुड ट्राई एंड अटेंड द क्लास फिजिकली ओनली। जो फेस टू फेस में क्लास कर रहे हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि फेस टू फेस आकर ही करना। मैं आज आपको एक चीज़ समझाऊंगा। और ऑनलाइन लाइव के जो बच्चे हैं जो मुझसे सुन रहे, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, तो ऑनलाइन लाइव के बच्चों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने भी 110% ऑनलाइन लाइव ही करना। क्यों? क्योंकि सीए तो आपने बहुत देखे होंगे आपकी ज़िंदगी में, बहुत सीए देखे होंगे, बट हर एक सीए उतना पैसा नहीं कमा पाता है। मैं आज आपको जिस लेवल पर खड़ा हूँ अभी, सो आई एम एट दैट लेवल कि मेरे कई सारे बच्चे सीए हो चुके हैं, स्टूडेंट्स सीए होने के बाद में दे आर वर्किंग एट अ वेरी ग्रेट पोजीशन। तो मैं आज आपको मेरी रीडिंग बता सकता हूँ कि क्या है, और जिन जिन लोगों के साथ में मैं हॉस्टल में पढ़ा था जो सीए हो गए और कौन क्या कर रहा है उसके बेसिस पर। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू तरीके से पढ़ाई करते हैं उस केस में आपका सक्सेस या आपका पैसा भी उतना होगा, ये ज़रूरी नहीं है, देर इज़ नो कोरिलेशन विद दैट। जो फेस टू फेस बैच में बच्चा आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक इंट्रैक्शन से वो ग्रो होता है। मैं हमेशा बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ कि जब आप क्लास में आते हो, जिस दिन आप आए थे और आज आप हो, उसमें फ़र्क है क्या? नहीं है। द आंसर इज यस, यू चेंज एज अ पर्सनैलिटी। आपको यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली, यू डोंट गेट द फैसिलिटी, बट स्टिल यू ग्रो। वेन एवर देर इज एन एडवर्सिटी यू ग्रो। यू गेटिंग माई पॉइंट? जब कभी भी पेड़ को क्या कहते हैं उसको, पानी नहीं मिलता है, तब उसकी जड़ें नीचे जाती है पानी की खोज में। जब तक पेड़ को रेगुलरली पानी मिलते रहता है, द ट्री डजंट ग्रो स्ट्रांग। सिमिलरली आपको यहाँ पर सब लोगों के साथ मिलना, बैठना, उठना, बैठना, रिलेशन डेवलप होते हैं। कई बार रिलेशन डेवलप नहीं होते, झगड़े होते हैं, झगड़े होने के वक्त आपको पता चलता है कि किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से बात करना है। तो भाई साहब, इधर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है एंड यू डेवलप एज अ पर्सनैलिटी। प्लीज़ इसको लाइटली मत लो। और ये स्केड्यूल हेक्टिक रहेगा, स्केड्यूल हेक्टिक रहेगा, आपको डे वन को पता है। जिन्होंने ग्रुप वन किया उनको भी पता है कि स्केड्यूल हेक्टिक रहेगा। बट आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज ये स्केड्यूल हेक्टिक में अगर आप सर्वाइव करना सीख गए, तो इसके बाद में अगर कोई चीज़ आ जाए इस लेवल तक की, तो आप डरोगे नहीं, बट इससे भाग गए ना आप तुरंत कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। और एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं होता यार, आई एम नॉट वेल फॉर लास्ट थ्री डेज, बट आई एम देयर इन द क्लास एवरी डे, आई एम देयर इन द ऑफिस, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एक्चुअली। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अगर इस शेड्यूल को निभा दिया आपने 2.5 महीने तक, तो उसके बाद में वो आदत लग जाती है बॉडी को। अब तुम योद्धा बन गए, अब तुमको डरा नहीं सकता कोई, क्योंकि अगर 12-13 घंटे अगर आप बैठना सीख गए, सो देन दैट इज नॉट अ टास्क विच एवरीवन इज केपेबल ऑफ डूइंग इट इन दिस रियल वर्ल्ड। यू बिकम अ यू नो अ बेंचमार्क देन। एंड द सेकंड चीज, ऑनलाइन लाइव के बच्चों को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बैकअप का प्रयोग कम करना। बैकअप इज लाइक अ मेडिकल इंश्योरेंस, हमारे पास होना चाहिए।
बट इसका मतलब ये नहीं कि हम यूज करें उसको। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है तो चलो जाओ बीमार पड़ो, हॉस्पिटल में जाओ नर्स को देखकर इंजेक्शन लगाओ, नहीं यार नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड राइट। सो इट्स लाइक अ मेडिकल इंश्योरेंस, आई डोंट वांट टू यूज इट, आई वांट टू बी हेल्दी। सो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको डिसिप्लिन फोस्टर करता है। सो इफ इट इज पॉसिबल डू ओनली स्टडी थ्रू ऑनलाइन लाइफ। जो GDPD से मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फेस टू फेस बैचेस में भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑनलाइन लाइफ को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इट्स नॉट ओनली स्टडीज, स्टडीज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज फार फार बिगर देन दिस। सो आई ऑलवेज टेल दैट कि गो मीट पीपल, GDPD के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गो मीट पीपल, एक्सप्लोर वर्ल्ड, थोड़ा सा मस्ती करने का, मस्ती करोगे तो फिर उसके बाद में पढ़ने की इच्छा होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बिकम लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन, यू हैव टू गिव योर 100%, एंड टू गिव योर 100% इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू रिचार्ज योर सेल्फ। सिर्फ पढ़ाई कर करके आप डाउन होते हो, मुझे पता नहीं कितने बच्चों को इधर पढ़ाई करना पसंद है। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक स्टडिंग? मुझे तो पढ़ाई पसंद नहीं है भाई, आई डोंट वांट टू लाई। कितने लोगों को पसंद नहीं है पढ़ाई? अपन मेजॉरिटी में ये डे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज एक बात क्लियर कर लेते क्या, ज्यादा सड़सड़ के नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे और रिचार्ज होते रहना। टेक ब्रेक बिफोर यू ब्रेक डाउन। बट आज आप मेरे को पहली डे में वचन दे रहे हो कि जो भी मोड आपने सिलेक्ट किया मैं उसका आदर सम्मान करता हूं, बट उस डिसीजन का सम्मान करने का निर्णय आपने लिया था और आप उसका सम्मान करोगे। फेस टू फेस बैच में एडमिशन लिया है, फेस टू फेस आना। जो आपको बैकअप दिया जा रहा है वो दिया जरूर जाएगा, बट उसको यूज कर अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भगोड़े बनते हो, मत बनो। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे लास्ट तक टिके फेस टू फेस में, अरे वो नेक्स्ट लेवल एनर्जी रहती है, अब डर नहीं लगता उनको, वो बोलते कर लेंगे यार, अब वो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो जाएगा, निभा देंगे यार, समझ। और जब भाग गए थे ना तो उनका बैकअप आज भी बैकअप ही है, बहुत सोच के गए थे एकदम महाराज बन करके, नहीं धपाधप स्पीड में देखेगा कवर करेगा, नहीं हो रहा यार। कितने लोगों ने ऐसा किया था और उनका बैकअप मतलब बैकलॉग अभी भी है, देख रहे हो हाथ ऊपर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा एक और चीज तुमको बुझा रहा हूं, जो जो ग्रुप टू दे रहे थे ना, जिनको जिनको डाउट था उनका भी एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं डे वन को ही। बेटा ग्रुप वन के जितने बच्चे ने पेपर दिया क्या आप हाथ ऊपर कर सकते हो? ग्रुप वन के बच्चों ने जिन्होंने एक ग्रुप पेपर दिया था, प्लीज कैन यू रेज योर हैंड। जिन्होंने किसने पेपर दिया अभी ग्रुप वन का, वेरी गुड, कैन यू रेज योर हैंड कंप्लीटली? अच्छा अच्छे से दिख रहा है पूरा हाथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन कौन गारंटीड बोलता है कि मैं पास हो जाऊंगा, वो हाथ ऊपर रखे, गारंटीड पास हो जाऊंगा। आप तक बात पहुंची मैंने क्या बोला, आप तक बात पहुंची? जो बच्चे ये सोच के गया ना कि मैं सिर्फ ग्रुप वन दूंगा, इन बच्चों ने, मैं ये बताया करता था क्लास में, इन बच्चों ने कंप्लीट 4-5 months दे स्टडीड इट, दे गेव द एग्जाम एंड स्टिल दे आर नॉट श्योर कि मैं 100% पास हो जाऊंगा। इनमें इनकी गलती नहीं है, ये CA कोर्स का स्वरूप है। बट अभी ये कहां अटक गए वापस, दे हैव टू स्टार्ट अगेन विद द ग्रुप टू, इन बिटवीन देर वुड बी ए रिजल्ट। और खुदा ना खास्ता अगर मान लो गलत रिजल्ट आ गया तो नाउ इन 3 months यू हैव टू गिव 2 groups, इन 3 months यू हैव टू गिव 2 groups, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस इज वेयर द होल सिस्टम कोलैप्सेस, बिकॉज पहले एक ग्रुप के लिए 4 subjects के लिए यू डिवोटेड 5 months, एंड नाउ इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग और इवन इफ एवरीथिंग गोज करेक्ट ऑल्सो यू विल बी हैविंग 2 to 3 months ओनली टू स्टडी वॉट सिंगल ग्रुप, दैट इज 4 subjects विच इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब एक को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और एक को अच्छा टाइम नहीं दिया, ऐसा नहीं है। इट इज ऑलवेज बेटर टू कंप्लीट बोथ द ग्रुप्स, गिव देयर एग्जाम्स, फेल तो फेल, पास तो पास, बट उसके बाद में आप वो तैयारी हो जाती है कि भाई साहब अगली बार अगर प्रिपरेशन करना पड़े तो हो जाएगा। आशा करता हूं कि पूरी क्लास को ये बात समझ में आ गई। जिन जिन लोगों ने दोनों ग्रुप का सोचा है आपने भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि जब बोल दोगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा। यू विल हैव टू डू बोथ ग्रुप्स अगर सिलेक्ट किया है तो, नहीं तो आज ही एडमिशन नहीं लेना, कोई जरूरी नहीं है। किसी दोस्त को देखकर एडमिशन मत लो, बट अगर डिसीजन लिया है तो मैं तुमको आज ये चीज सिखा रहा हूं कि आपने अपने डिसीजन का सम्मान करना बहुत जरूरी है, नहीं तो है ना वो भगोड़ेपन है ना, फिर जाता नहीं, देन यू विल कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। सो सिलेबस हो गया, सिलेबस में कोई चीज ऑप्शन नहीं छोड़नी, मैंने बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने ग्रुप टू अभी करना सही है क्या नहीं है, तो आंसर आया यस, ग्रुप टू अभी करना चाहिए। द रीजन इज वेरी सिंपल कि भाई साहब आपका फ्लो फ्लो में पढ़ाई हो जाता है पूरा, इज दैट ओके? शैल वी प्रोसीड नाउ? अभी फीचर्स ऑफ द बुक जरा ध्यान से देख लेना। अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो दिस इज वन फीचर विच इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर बेटा जी अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ कॉलम्स है R1, R2, R3 एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल पॉइंट।
आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी मैं क्लास में पढ़ाऊं, ये इंडेक्स आपके फुलफिल हो जानी चाहिए। जो भी क्लास में हम जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे वो बेसिक प्रॉब्लम से लेकर डिफिकल्ट प्रॉब्लम तक जाएगी, बट ये जरूरी नहीं है कि आप सारी प्रॉब्लम रिवाइज कर पाओगे एग्जाम के पहले। तो आपको आइडेंटिफाई करने का काम इधर होगा कि कौन सी प्रॉब्लम आपको करने की है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन का रेफरेंस भी है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया हुआ है, कौन से आरटीपी में से लिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, डिसोल्यूशन पर इस बार नवंबर 23 में कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 29 अगर आपको दिख रहा है तो मई 23 का था। इज दैट ओके? सो सारे के सारे क्वेश्चंस का रेफरेंस आपको दिया हुआ है मेरी टेक्स्ट बुक में। आपको मॉड्यूल के, आरटीपी के, मॉक पेपर के, पास्ट एग्जाम पेपर्स के, इंक्लूडिंग नवंबर 23 का तो क्वेश्चन है, ये कवर्ड है। सो सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए जाएंगे। यू डोंट हैव टू रेफर एनी अदर बुक, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। बट मैं हमेशा एनकरेज करता हूं मेरे बच्चों को कि आप बिंदास्त होकर दूसरी बुक्स भी रेफर करो। और एक चीज इसमें खास है कि टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम। इसको क्या होता है कि जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उस टॉपिक के पीछे एक टेस्ट सीरीज प्रिंटेड आपको ऑलरेडी दी हुई है, उस टेस्ट सीरीज का आंसर लिखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप वो आंसर लिखते हो तो आपका वो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई रिपीट, माई रूल नंबर 1 इज कंप्लीट द सिलेबस विथ क्लास, एंड टू डू दैट यू शुड मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाइल यू आर स्टडिंग विथ मी। समटाइम्स आई विल टेल यू रिवाइज बिफोर एग्जाम, समटाइम्स यू फाइंड इट डिफिकल्ट, यू राइट डाउन द स्पेशल पॉइंट कि दिस इज व्हाट आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। हाईलाइट द सेम एडजस्टमेंट, सेम फिगर देयर इन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। डू यू एग्री? तो ये इंडेक्स जो बच्चा फुलफिल कर चुका है या जो फिलअप करता है उसके पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, ये मैंने देखा है। जो ये इंडेक्स फिलअप नहीं करता है उसकी एक दिक्कत आती है कि क्या पढ़ूं मुझे नहीं पता चलता है। कई सारे लोग इस केस में दूसरे बच्चों के इंडेक्स यूज करते हैं, वो भी गलत है चीज। आपकी इंडेक्स आपने ही भरनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम इसको डिफिकल्ट लग रही शायद उसको ना लगे। जैसे क्लास में आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, तो जब ध्यान भटक रहा है और उस समय आपको डिफिकल्ट लगा था तो आपके लिए मार्क करोगे, बट कोई शायद दूसरा बच्चा नहीं करेगा क्योंकि उसको ईजी गया था, उसको समझ आ चुकी थी चीज। तो ये बहुत स्पेसिफिक है सिर्फ आपके लिए, इस इंडेक्स को खुद के खुद भरना ये अच्छा रहेगा। और फिर अगर मजबूरी में करना पड़े तो किसी से ले लेना, ठीक है। अब ये हुआ इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स के अलावा बेटा जी, अगर आप देख रहे हो प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे ऐसा एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स के अंदर राजा बेटा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स में अगर मान लो मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 9 रिवाइज करना है, बट 9 में क्या रिवाइज करना पूरा नहीं देखने की जरूरत है। तो 9 में कुछ चीजें हाईलाइट कर दोगे और कुछ स्पेशल पॉइंट इधर नीचे लिख दोगे। ये आपका सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 80% तक का टाइम बचा देगी। आई रिपीट, रिपीटेड क्वेश्चंस करने नहीं है। इंडेक्स अगर भरी अभी और ये बॉक्सेस अगर भरे, सो यू विल बी एबल टू सेव ऑन योर हाउ मच, 80% ऑफ द टाइम। क्योंकि अब आप पूरी प्रॉब्लम भी नहीं देखने की जरूरत, आप उतना सा पार्ट देखने के बाद में आपको क्लिक हो जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो क्या क्लास में ये चीज क्लियर है? ऑलराइट, आगे बढ़े बेटा जी। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आपको दूसरी बुक रेफर करनी है, बिंदास्त करिए, क्योंकि जब मैं टीचर हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट बनने चाहिए। आपको जो रेफरेंस बुक, जो क्लासेस की बुक रेफर करनी है, बिंदास्त करो। मॉड्यूल करना है, बिंदास्त करो। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे बुक में सब कुछ कवर किया है मैंने। अगर आपको फिर भी करने की जरूरत है या इच्छा होती है तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, करना। और कुछ प्रॉब्लम आए तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। इज दैट ओके? क्योंकि रूल सिंपल अपने क्लास का कि आपने इंडिपेंडेंट बनना रादर देन डिपेंडेंट ऑन मी। तो आपको बुक रेफर करना है तो करिए, बट पहले मैं सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले ये कर लेना कंप्लीट, उसके बाद में जान बचे तो दूसरा कर लेना। इज दैट ओके? हाँ ठीक है। टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम के बारे में भी मैंने बता दिया कि टेस्ट सीरीज लिखना। कितने बच्चे आज कमिट कर लेते, कितने बच्चे टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम लिखेंगे? ये हर एक चैप्टर के नीचे टेस्ट है। हाउ मेनी ऑफ यू गोना राइट डाउन? अच्छा, इस बार से ये एएस के साथ में भी आएगा आपको, बट दैट विल बी इन अ डिजिटल फॉर्मेट। एएस के पीछे भी एक क्वेश्चन बैंक आएगा कि जिसके इसमें आपको वो टेस्ट लिखने का। तो कितने बच्चे लिखेंगे मेरे को समझ में नहीं है। हाँ 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 हाँ, आज तो नजर ना लगे तो। अब कितने बच्चे नहीं लिखेंगे? एक भी हाथ ऊपर नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चा झूठ बोला उसको गंदी बीवी या गंदा नवरा मिलेगा, बात खत्म, ठीक है। सर पहले बोलना था, ये तो धोखा होगा, स्कैम है। अब राजा बेटा जी चल लेते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सुनना नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूं, क्या है सुनो ना। ये गुड़ियों क्या हुआ, खाए जाता आते है? सरल बस ऐसे मत खा जाता है। फैन क्या करो, बलाऊ चालू करो? ठंड लग रही है, जैकेट ला रहे नीचे से,
चादर लाऊं क्या? नहीं, सुनो ना। अरे मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें अंदर वो हीरो देता है जैकेट ऐसा, देखा है मैंने, मेरे को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। गुड, यू आर नॉट वेल क्या? यू आर नॉट वेल? यू आर वेल, बेस्ट है। मैं पर एक जिज्ञासा वस प्रश्न है, पूछ सकता हूं? मतलब ऐसे बैठे तो ठंडी लग रही है, बट ऐसे सोने से ठंडी भाग जाती है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग, भाग जाती है क्या? क्योंकि मैं जब बेड पे जाके सोता हूं ना, तो मुझे और ठंडी बचती है। दिस हैपेंस विद मी, आई डोंट नो। सो बैठने लायक सीधी है ये, पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि शायद मैं तुझे जानता हूं, आई डोंट नो वेयर एंड हाउ, बट शायद जानता हूं। ये सुनो, अगली बात, प्लानर का क्या इशू है? तीन मेन रीजंस, ग्रुप वन के बच्चे जो पेपर लिख के आए वो मान लेंगे मेरी बात। तीन मेन रीजंस टू फेल। पहला, क्लास अटेंड नहीं की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्लास की शिट्टे मारी है, बोम्बा बोम करी है, बैकलॉग है, वगैरह वगैरह। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए तुम्हारा बोम्बा बोम होएगा। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मेरा भरोसा मानो, प्रेस्टीज पॉइंट में जिस लेवल की कॉम्पिटिशन है, मुझे लगता है 19-20 का फर्क है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर जगह मिलेगी। हाँ, वो ठीक है, बोम्बा बोम करने वाली बात अलग है, बट मैं आपको जो दिल की बात है वो बता रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर एक फैकल्टी, कितनी कॉम्पिटिशन है बे, एक टाइम पर सब जगह लेक्चर चलना, एक ही सब्जेक्ट का, इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ स्टफ। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ है, 19-20 का फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं है ऐसा मुझे लगता है। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सेकेंड रीजन वाई यू फ्लंक इज यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर। पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा तो पास कैसे होगा? तो 80 मार्क का पेपर लिख के तुझे 50 लेके आने, 60 लेके आने, इट इज अ हरक्यूलन टास्क इन सी ए। एंड द थर्ड वाज प्राइमरी रीजन वाई पीपल फ्लंक इज यू नो दे डोंट प्लान देयर पीएल प्रॉपरली। इन तीनों चीजों पर साइकोलॉजिकली मैंने मेरे क्लास में काम किया है। तो पहली चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, मैं आपको वचन दे रहा हूं, बेफिक्र रहिएगा, यहां पर गेम्स चलते हैं अपने यहां पर, पास द बॉल के मतलब मेरे को थोड़ा सा गर्व होता है, मेरे को ऐसा घमंड भी है थोड़ा सा इस बात का, कि मतलब क्या है कि अगर मैंने पढ़ा है तो दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो तुमको समझा या नहीं समझा, नहीं समझा तो क्वेश्चन पूछ, तो मैं पूछूंगा दो तीन बार, कोई प्रॉब्लम। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं पार्शियलिटी नहीं करता, ऐसा किसी को पकड़ता नहीं। फिर यहां पर गाना बजता है और बॉल पास होता है, इस बार बॉल बॉटल है, अरे नहीं रे, इस बार बॉल मंगाया एडे है। सो इस बार बॉल भी मंगाया, और जो आंसर नहीं देगा उसके लिए मैं गद्दा हूं बोलकर ये टैग भी मंगाया, ठीक है ना। सो एक बॉल ट्रांसफर होता है, और जब गाना बजता है तब तक बॉल ट्रांसफर होते रहता है, जैसे ही गाना बंद हुआ जिसके हाथ में बॉल रहेगा वो आंसर देगा, समझे? तो मैं आपको ये वचन दे रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, मैं वचन दे रहा हूं, और मैं 100% श्योरली बता रहा हूं, मेरे को इसका सब कुछ आता है। तो कभी तुमको डाउट आया ना, तो ये सोचना कि तुम में खराबी है, मैं 100% श्योर हूं कि मेरे को आता है। सो ये फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। दूसरा, आपका पेपर जो कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए मैं तीन लेयर पर काम करता हूं। पहला, क्लास में काम होता है, तो क्लास में मेरे बंदे लोग घूमते रहेंगे, आपको स्केल पेंसिल यूज करना मैंडेटरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल, स्पेशली बॉयज, इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू यूज इट। सेकेंड चीज क्या करते हैं कि वी विल बी राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑन टाइमर। टाइमर कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसमें आप टाइमर पर आंसर। थर्ड कॉन्सेप्ट इज दैट यू विल बी राइटिंग टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम, तुमने अभी वचन दिया था मुझे। उसके बाद में और एक चीज जो होती है वो है टेस्ट सीरीज। आपके पूरे कोर्स के दरमियान तीन टेस्ट सीरीज होगी। जैसे जिन जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी ग्रुप वन में, तो ग्रुप वन में लास्ट में हमने 100 मार्क्स की टेस्ट भी दी, 100 मार्क्स की टेस्ट दी ग्रुप वन में। सो आपकी भी ग्रुप टू में तीन टेस्ट स्केड्यूल्ड होंगी, और उन तीनों टेस्ट में आपका 100 मार्क्स तक मैं आपको ले जाऊंगा, कि जहां पर आप यू विल बी इंडिपेंडेंटली एबल टू हैंडल 100 मार्क्स टेस्ट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो राइटिंग प्रैक्टिस चार एरियाज में होगी। आपको स्केल पेंसिल मैंडेटरी है, आपकी बुक्स चेक करी जाएगी। ऑनलाइन लाइव के बच्चों के लिए मैं जो भी होमवर्क प्रॉब्लम देता है उनके सॉल्यूशंस हर रोज चेक करता हूं क्लास में सभी के सामने, और कहां कहां पर गलतियां होती है वो चीजें बताता हूं। दूसरा, आपका टाइमर पर क्वेश्चन होगा। तीसरा, आपको टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम लिखना है। और चौथे लेवल पर यू विल हैव टू राइट डाउन द टेस्ट सीरीज। सो दिस विल हेल्प यू आउट। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग इज पीएल का प्लानिंग। पीएल के प्लानिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी एक टॉपिक को ज्यादा टाइम दे दो, जैसे ग्रुप वन के बच्चे इस बात से सहमत होंगे कि ग्रुप वन में आपको प्रॉब्लम हुई थी कि जब शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था तो एक टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, और फिर लास्ट में पता चला कि बाकी के टॉपिक को डेफिसिट टाइम मिल रहा है, टाइम मिल ही नहीं रहा है। मतलब किसी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिया, बाकी के सब्जेक्ट को वेटेज मिल ही नहीं रहा है।
टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि वी विल बी डिवाइडिंग योर टाइम एज पर द प्लानर। सो ये प्लानर कॉन्सेप्ट क्या है, इट विल डिवाइड योर टाइम। ये देखो इधर दिख रहा है क्या आपको, कुछ क्या दिख रहा है, जैसे अकाउंटिंग को कितने घंटे एलोकेट करने के, ये आपको एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन एक चीज है जो आपको दी जाएगी एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर माई ऑल माई स्टूडेंट्स। सो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग्स जिसके अंदर आपको टाइम डिवाइड कर मिल जाएगा आपके हिसाब से, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, और कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। जैसे मैं इधर बताऊंगा आपको, जैसे 1 अगस्त 2023 को इंट्रोडक्शन टू AS एक बताया, 45 मिनट्स में करने का है, फ्रेमवर्क एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट रीडिंग में आपको कितना करना है, 1 आवर 45 मिनट्स में पूरा कंप्लीट करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट, तो टाइम लिमिट टारगेट ओरिएंटेड चीज होती है, तो इट वर्क्स लाइक 2020 मैच। तो 2020 में जब स्कोर दिख रहा होता है कि इतना मारना है तो पब्लिक मार देता है, नहीं तो अदरवाइज वो मारने को ताकत नहीं आता, वो जडेजा को दिख रहा था कि 1 6 और 1 4 मारने का है तो मार दिया, नहीं तो कैसा मारेगा, फटी पड़ी रहती भाई। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, सो प्लानर विल हेल्प यू आउट, आई होप यू गॉट द पॉइंट विद द प्लानर। नाउ द थर्ड पॉइंट, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कितनी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, 3, और उसके अलावा टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम ये आपको ऑलरेडी मिलती रहेगी। चल भाई चल, टेस्ट सीरीज समझ गए। टेस्ट सीरीज आपके पेपर इस तरीके से चेक होंगे और ये आपको सारा ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ऑनलाइन में आपको टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। इज दैट ओके? सो जो बच्चा फेस टू फेस लिख रहा है, और पेपर के बारे में मेरी खास बात है और एक बता दूं, शायद कुछ बच्चों को पसंद नहीं है बट दिस इज व्हाट आई एम, मैं आपके रिजल्ट आपके पेरेंट्स तक शेयर नहीं करता। मुझे एक बात पता चल गई कि जो कुछ भी मैं मेरी जिंदगी में बना या जिन लोगों को मैंने सक्सेसफुल होते हुए देखा वो खुद के खुद हुए। तो जब पेरेंट्स के पास रिजल्ट जाते हैं, जिनको भेजना है वो खुद भी भेज सकते हैं अपने माता पिता के साथ जो क्लोज है, बट मैं किसी भी बच्चे को उस धर्म संकट में नहीं डालता कि वो परेशान हो फिर उसको कोई और टॉर्चर करे और कोई कुछ बोले करे, क्योंकि CA में पहले ही बहुत बैंड बजी बड़ी रहती है और मुझे पता है कि क्या सिलेबस है, तो मैं आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। कोई इधर रैंकर सेलिब्रेट नहीं होते मेरे क्लास में, मैं हर एक व्यक्ति का हूँ और हर एक व्यक्ति मेरा है, तो कोई ऊँचा है कोई नीचा है कोई बड़ा है कोई छोटा है, मुझे इस कॉन्सेप्ट से ही प्रॉब्लम है। मैं ये मानता हूं कि हम सब लोग सेम हैं। आज मैं मेरिट में नहीं आया तो मैं कोई कम नहीं हूं, मैं भी अच्छा हूं। तुम मेरिट में आ गए तो तुम भी हो, तुम भी अच्छे हो, तुम्हारी भी जय हो बट मेरी भी जय हो, मैं ये बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? बराबर है ना? हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं तो थोड़ा कम ज्यादा होगा। जिस व्यक्ति को जितना प्रोग्रेस करना है वो अपने माइंडसेट से अपने हिसाब से करते रहता है, जिसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, बट मैं मेरे डायस पर लाकर किसी भी रैंकर्स को सेलिब्रेट नहीं करता हूं, ना आपके रिजल्ट आपके पेरेंट्स तक शेयर करे जाएंगे। मेरी अगर आपसे विनती है, एज योर फादर फिगर इज ओनली 1, राइट पेपर, इवन इफ यू गेट 0 marks आई एम ओके विद दैट, वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट। पेपर लिखने में बैठने में आपका डर गायब होता है, डर जाना चाहिए। मेजॉरिटी बच्चे जो ग्रुप 1 में थे उनको आइडिया है कि इट्स नॉट अबाउट देयर टैलेंट, इट्स अबाउट द फियर फैक्टर विच ग्रिप्स देम, करने नहीं देता यार, बढ़ने नहीं देता है, फियर लगता है, बहुत डर लगता है, हैंडल नहीं होती चीज़ें, वो हैंडल करने के लिए उस चीज से बार बार जाना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे इतनी सी विनती कर रहा हूं कि आपको 0 marks मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जज करने वाला आदमी नहीं हूं आपको, मेरे को जिंदगी में बहुत जज किया लोगों ने, अब मैं वो गलती मेरे साथ या आपके साथ कभी नहीं दोहराऊंगा। जज करना बहुत गंदा लगता है मुझे पता है, बट आपसे इतनी सी विनती है, पेपर लिखना, कहीं नहीं जाएगा आपका रिजल्ट, मैं वचन दे रहा हूं, समझे? आपने चाहिए तो मैं मार्क्स भी सबके इंडिविजुअल मैसेज पर भिजवा दूंगा। मतलब क्या होता है, आज तो तारीख में लिस्ट में जाता है ना मार्क्स, तो किसी को पता चलता है हाँ ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है, भाड़ में क्या साला कौन कितने नंबर पर, ये नहीं चाहिए ना, तो आपको रिजल्ट भी मैसेज पर आ जाएगा। बट इतना सब कुछ करने के बाद में पूरी क्लास ने पेपर देने को आना, इंक्लूडिंग ऑनलाइन लाइव, ऑनलाइन लाइव तुमने भी गधेड़ापन नहीं करना और कॉपी नहीं करना, कॉपी करना मतलब इतना बड़ा पाप है, बापरे बापरे बाप, मतलब कितना बड़ा टाइम पास किया उसने, बैठ के 2 घंटा कॉपी करके लिखा है, शी आई मीन कितना थकेला आदमी होगा, मतलब जिंदगी में कोई इज्जत नहीं देता भाई उसको, तो कॉपी भी नहीं करने का है अभी, फिर कोई इज्जत नहीं देगा, खुद की बीवी खुद का पति इज्जत नहीं देगा फिर। एक था एक बच्चा, ये सुनो बे, ये AS का आनंद बुक है। अच्छा आपको एक AS के आनंद के बारे में कुछ खास बात बता दूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि ये बुक आपको भारत में और कहीं नहीं मिलेगी। इस बुक की कुछ खास बातें हैं, ये साइकोलॉजिकली बनाई गई है। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और एक राइट साइड ऑफ द ब्रेन। राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो बहुत क्रिएटिव है, जैसे मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूं, मेरी ड्राइंग कभी देखोगे तो तुम्हें उल्टी आ जाएगी, मैं एकदम थर्ड क्लास ड्राइंग वाला आदमी हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई साहब वो मतलब ऐसा कुछ ऐसा कलर भी फेंकेंगे तो ड्राइंग बनती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। हाँ सो सुनो ना,
बोलने का तात्पर्य क्या कि राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, जाके गूगल कर लेना। राइट साइड ऑफ द ब्रेन से जो डोमिनेटेड लोग है दे स्टडी विथ चार्ट्स, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से जो डोमिनेटेड लोग है दे स्टडी विथ थ्योरी के नोट्स, की पॉइंट्स। देर आर डिफरेंट वेज टू स्टडी। मैं ऐसा नहीं मानता कि चार्ट्स सभी बच्चों के लिए यूजफुल है, यह सबसे बकवास स्टेटमेंट होगा। सिर्फ चार्ट से पढ़ाई करने से क्या होता है कि आपको वो फील गुड फैक्टर आता है, बट एग्जाम में लिख नहीं पाते हो आप, ये फैक्ट है। जैसे आपने इसके पहले टेंथ तक आप पढ़ते आए, टेंथ तक तुम्हारी टीचर ने कभी चार्ट से पढ़ाया क्या? सपोज मान लो तुमको इंग्लिश पढ़ाई जाती चार्ट से, मतलब वो लिख लिख कर पढ़ाई तो आज ही हालत है तुम्हारी इंग्लिश लिखने की, चार्ट से पढ़ाई होती तो क्या होता? भाई साहब समझने की कोशिश करो, जितने भी राइट साइड ऑफ द ब्रेन है ना, उनके अंदर भी लेफ्ट साइड का डोमिनेंस होता है थोड़ा बहुत। सो यू हैव फीचर्स ऑफ बोथ। सो क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने ये बुक भी पढ़ी है हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, यू नो, उन बुक्स के अंदर मैंने चीजें, आई हैव ऑल्सो रेड द बुक्स ऑन टीचिंग डोमेन, हाउ टू बी इन यू नो बिकम अ गुड टीचर एंड ऑल। सो बेटा जी, ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि चार्ट से पढ़ाई होती है, चार्ट से सिर्फ रिविजन होता है, और वो भी अगर खुद ने बनाया तो, उसको माइंड मैप बोलते हैं, आप गूगल कर लेना। तो इसके वजह से इसमें एक परफेक्ट ब्लेंड दिया गया है, चार्ट्स का, थ्योरी का, बेयर टेक्स्ट का। कल को तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें बेयर टेक्स्ट का भी रेफरेंस मिलेगा, तुम्हें इसमें रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स और डिस्क्लोजर्स दिए हुए। जैसे आपको डिस्क्लोजर देखने को मिलेगा इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का, टाटा मोटर्स का, अशोक लेलैंड का, राइट, यू विल गेट द डिस्क्लोजर्स, रिबॉक का। सो यू विल बी गेटिंग द डिस्क्लोजर्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। एट द सेम टाइम इफ यू आर बीइंग आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द रियल लाइफ इन योर आर्टिकलशिप, यू विल बी एबल टू आंसर देम बिकॉज उस तरीके से बेयर टेक्स्ट इंक्लूडेड है। इस बात की और एक खास बात ध्यान रखा गया कि आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए सभी क्वेश्चंस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल पर आता है आपका रेफरेंस, सेकंड लेवल पर आपका आता है एनालिसिस क्वेश्चन के हिसाब से, और थर्ड लेवल पर आता है कंक्लूजन कि ये कैसे डिराइव हो रहा है आंसर। और ये आंसर्स मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है, इनको हमने बनाया है। मैं ये मानता हूं कि इसमें अभी भी इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, बट मुझे लगता है हम काफी हद तक उसको लेके आ गए, एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट, इज दैट ओके? एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन। सो एक बार इसका ग्लिम्स दिखा देता हूं आपको मैं, ये कौन सा AS9, एक सेकंड, एक AS का बुक दिखाई देता हूं, AS का नाम जुड़े हुए ग्रुप 2 AS9 बात करी थी ना अपन ने, ये AS9 की थ्योरी, ये थ्योरी बुकलेट है बेटा, इसके अंदर पहले वो जो चीज है वो इंडेक्स इसके अंदर भी है, इसके इंडेक्स कोई अलग है, मैं बाद में बताऊंगा। सो इस तरीके से थ्योरी प्लस चार्ट और पिक्चराइजेशन से मैंने इन चीजों को समझाया, ओके? फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन बैंक की बात है बेटा, क्वेश्चन बैंक सारे कवर कर लिए गए, और क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्स है, रेफरेंस है, एनालिसिस है, कंक्लूजन है, रेफरेंस है, एनालिसिस है, कंक्लूजन है। यू कैन गो एंड चेक इन द मॉड्यूल, यू विल नॉट फाइंड द आंसर इन दिस फॉर्मेट। I have taken a huge effort and created in that way. Next thing is, all the questions of the AS will be taken care by us in the class and as an homework, but all the questions will be discussed. It will also be having the writing practice. Is that okay? In my life, I never wanted to tell you this. मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ, मैं ये उल्टी मेरे गले में उंगली डाली किसी ने, इसलिए उल्टी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। I have delivered many AR ones in my life. AR1 I am saying, and I am saying that I have already, you know, produced many ARs. But यार सर वो पाप है कि मैं किसी भी बंदे की सक्सेस का मैं क्रेडिट ले लूँ, ये पाप है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो बुझ के, मैंने इसलिए बोला, मैंने उल्टी कर रहा हूँ। और इस क्लास का एक एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए क्लास है, नो, यू आर ऑल इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव योर आइडेंटिटी एंड यू ऑल डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, इज दैट ओके? तो ये बात दिमाग में आ गई, ये प्रोपोगेंडा है, बाकी मैं आपको जब AS पढ़ाऊंगा तब आपको पता चली जाएगी चीजें, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अब कहां तक बची बेटा बात, ये हैंड रिटन नोट्स, दिस इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन योर बैच, यस, ये एक फीचर ऐसा है कि जो सिर्फ आपकी बैच में। व्हाट इज दैट हैंड रिटन नोट्स में क्या होगा कि इसके आगे से जो कुछ भी मैं क्लास में लिखूंगा उन सभी चीजों को मैं सेव करके रखूंगा, जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन चेक करे जाएंगे, उनको एक अलग जगह पर सेव करके रखा जाएगा, तो वो GD, PD, ऑनलाइन लाइव, इन सभी माध्यमों के लिए और फेस टू फेस बैच के लिए, ये एक GD, PD का आपको, मतलब एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको सभी चीजें वहां पर अपलोड कर मिलती रहेगी। तो कई बच्चे यार कुछ दिन एबसेंट रह जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लेक्चर देखने से अच्छा उसको ये पता रहे कि इसके आंसर्स कहां पर क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो शायद चीजें हो जाती है।
क्या पूरी क्लास को बात समझ में आ गई? सो दिस इज व्हाट आई एम गोना गिव यू दिस टाइम. 100% वीडियो लेक्चर्स बैकअप आपको मिलेगा, 100%. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. बट मैं वापस बोल रहा हूं, इट इज लाइक अ मेडिकल इंश्योरेंस, डोंट यूज इट. यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर यूजिंग इट. दिस इज व्हाट आई थिंक. यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम. मैं मेरी डॉटर को कभी नहीं बोलूंगा एक ही चीज को बेटा दो बार पढ़. तुमने 10 दो बार पढ़ी दी क्या? क्यों करने का यार, एक क्लास कर लिया वापस क्यों करूं मैं? रिपीटेशन विल मेक यू मोर एंड मोर वीक, इट विल नॉट मेक यू स्ट्रांग. एक बार में जो चीज समझा देने के बाद में जो आदमी परफॉर्म करने लग जाता है वो आदमी बिजनेस में बहुत आगे जाता है, जॉब में भी बहुत आगे जाता है. तुम्हें क्या लगता है सुंदर पिचाई को जो कोई भी चीज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चार चार बार रिवाइज कराते कि उसको ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, फिर वो करता है क्या? एड़ा है क्या? जो एक बार में समझ में लगता है वो आगे जाता है. और ये चीज डेवलप करनी पड़ती है साहेब, ये अपने आप नहीं आती. समझ में आया? बैकअप मत देखना, ये मैं बोल रहा हूं. ये क्यों दे रहे तुमको पता है क्या? मजबूरी, इंडस्ट्री, कॉम्पिटिशन, नथिंग एल्स. दिस इज द रॉन्ग थिंग फॉर द किड्स, दिस इज नॉट इन देयर वेलफेयर. मेरी बेटी होती तो मैं उसको हमेशा यही बोलता कि बेटा मत कर, बाहर जा, कूद, खेल, आइसक्रीम खा, मस्ती कर, ये बोलता मैं उसे. जिंदगी जीने को मिलती है, झंड करने को नहीं मिलती. लेक्चर देकर आज तक कोई खुश नहीं हुआ है, सड़ा है. किसने लेक्चर्स देखने के बाद में बहुत खुशी हुई उसको? कौन है? हाँ, एक आध बार कभी कभी मजा आ जाती है, बट हर बार नहीं आती. और वो कुछ लेक्चर्स में आती है, समझे या नहीं? और शायद उसे लेक्चर कहते भी नहीं है. नेक्स्ट विल बी क्या? नहीं कहते उसे लेक्चर. नेक्स्ट इज व्हाट? मैराथन एंड रिविजन लेक्चर्स. यू विल बी हैविंग मैराथन एंड रिविजन लेक्चर्स. रिविजन लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट विद एवरी बैच. So you will be getting revision lectures also. Marathon will be uploaded on this. With this, let me give you one disclaimer. I will not take any one day before exam. और इस बार मैंने call ले लिया, मुझे कितना ही pressure डाला जाएगा मैं नहीं लूंगा. तुम अगर इतने capable नहीं हो तो खड्डे में जाओ, fail हो जाओ. अगर तुझे ये नहीं समझ में आ रहा ना एक दिन पहले क्या करने का, और तुझे ये नहीं समझ में आ रहा ना एक दिन पहले क्या करने का, शादी मत कर. मत कर. बाप हर जगह नहीं घूमेगा तेरे साथ. समझ आ रही बात? क्योंकि क्या हुआ पता, कितना डैमेज हो रहा है बच्चों का, कुछ आइडिया भी है? अबे पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो गया था इस बार. वन डे बिफोर में लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मैंने देखा, मैंने पूरा एनालिसिस किया इस बार. और चाहिए तो एक एक कट्टा चिट्टा मैं डाल दूंगा सबके सामने. पेपर होने के बाद में फैकल्टी दूसरी चीज बोलता है और पेपर के पहले दूसरी चीज बोली है. वो बच्चा अलग पढ़ के गया, साले का पूरा करियर बैंड बचता है यार. उसके माता पिता के है ना बच्चे के ऊपर आस लगाई हुई, वो बैंड बचती है. एक दिन पहले बच्चे ने खुद ने डिसाइड करना उसका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रांग है, वो खुद पढ़ेगा. मैं वन डे बिफोर एग्जाम नहीं लूंगा, भले मेरे पर कितना ही प्रेशर है, मैं नहीं लूंगा. ये आज डे वन को क्लियर कर रहा हूं. मैराथन लेक्चर्स होंगे, वो अपलोड कर दिए जाएंगे, आप अपनी स्पीड से देखिए. रिविजन लेक्चर्स आपको फ्री में दिए जाएंगे, वो आप अपनी स्पीड से देखिए. बट वन डे बिफोर एग्जाम मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं, ना मेरा देखना ना किसी और का देखना. आप और वीक होंगे. आप जाइए एग्जाम के पहले क्या वक्तव्य थे फैकल्टी के, देखना अगर मिले आपको वीडियो, डिलीट ना हो तो. और एग्जाम के बाद में क्या वक्तव्य है ये भी जाके देखना. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम एंड दिस इज अ स्कैम. वन डे बिफोर कोई नहीं गाइड करता सर. अबे स्पोर्ट्स में भी है ना, वो जो प्लेयर होता है ना और वो जो कोच होता है ना, कोच ये नहीं बोलता कि भाई मैं गाइड करता हूँ. उसको बताया जाता है कि भाई साहब अब तुझे करना है उस समय जो सही लगे वो. समझ आ रही बात ध्यान में? और आपको उतनी स्ट्रैटेजी तो बनाते आनी चाहिए. मैराथन हो गया और ये हो गया, अब क्या, अभी एग्जाम पेपर एनालिसिस देख लेंगे रे. सो शैल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक? अच्छा एक और चीज़ बता दी मैंने क्लास में, एक दो तीन पॉइंट और रहते वो बता देता हूँ. मेरे कोई पैर नहीं छुएगा, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? कुछ भी हो जाए मेरे पैर नहीं छूना. तुम्हारे घर में तुम्हारे भगवान बैठे हुए उनके पैर छू लो, भगवान है तुम्हारे घर में. मैं पैसे लेकर पढ़ाता हूँ, मैं फ्री में नहीं पढ़ाता. मैं कोई महान आदमी नहीं है, मैं बहुत सादा आदमी है. अगर रख सकते हो तो मुझे तुम्हारे साथ रखो, तुम्हारे लेवल पर मैं बहुत खुश रहता हूँ. वहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती बड़ा मत बनाओ, मुझे नहीं बनना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उठता बैठता, तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ. और मैं ऐसे ही खाता पीता हूँ मेरे बाकी के दोस्तों के साथ में भी और कई सारे लोगों के साथ. क्योंकि उससे क्या होता है ना कि व्हेन यू गो अप ना देयर इज बहुत ऐसा वैक्यूम है उधर, उधर ज़्यादा लोग नहीं है, उधर बहुत बोर होता है. और मुझे लोगों के साथ पसंद आता है, मैं लोगों के साथ उठना बैठना, कहीं पर भी बैठ के खा लूँ, कहीं पर भी चला जाऊँ, मुझे ऐसा चाहिए. मुझे आज भी पसंद है मैं हैंडपंप के नीचे बैठ के नहाऊँ और मैं नहाता हूँ. अब वो बताऊँगा नहीं कहाँ, बट दिस इज व्हाट आई लव. सो आई नीड टू बी एट दैट लेवल ओनली. तो मुझे वो नहीं जाना कि मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से जाऊँ तो कोई मेरे पैर नहीं छुएगा.
दूसरी चीज, इस क्लास में मेरे स्टाफ जहां तक की बात है, दे आर वेरी क्लियरली इंस्ट्रक्ट, दे आर वेरी क्लियरली बींग इंस्ट्रक्टेड दैट दे नीड टू बी पोलाइट विथ माई स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं तुमको पलकों पर रखूंगा, हाँ चिल्लाऊंगा भी बहुत बार प्यार से भी बात करूंगा, सब चीजें करूंगा, बट उनको बोला हुआ है कि आपसे बड़े प्रेम से, शिद्दत से, अच्छे से बात करें, अगर आपको उनसे कोई भी दिक्कत हो तो आपने मुझे बोलना है, और भरोसा मानो मैं कुछ भी कसर नहीं छोड़ूंगा। बट एक और चीज है, एट द सेम टाइम आपने भी उनसे प्रेम से बात करना, दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, दे वर्क एट लो पे, दे आर बेसिकली यू नो दे आर वर्किंग मोर हार्ड देन मी, बट दे डोंट इवन गेट यू नो 1%, 0.5%, 0.25% ऑल्सो ऑफ वॉट आई एम गेटिंग। देयर इनकम फॉर द होल ईयर मे नॉट बी द इनकम ऑफ वॉट आई अर्न इन अ डे समटाइम्स, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू टेक केयर एंड ब्रिज दैट बैरियर। यू के नॉट टॉक टू माई स्टाफ इन एन एरेगेंट मैनर, कम वट मे, तुम्हें जो प्रॉब्लम है आप मुझे बताओगे, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, और वो नहीं हुई तो मुझे लेकर जूती से मार देना, उधर गलत बात नहीं करोगे। सो स्पीक वेरी पोलाइटली। और तीसरी चीज, यहां पर हर काम होता है बट प्यार से, तेरा पैसा तेरे घर पर, तुम हमको खरीद नहीं सकते और हम बिकाऊ नहीं है, तो इधर जब भी आओ तो ये बात ध्यान में रखना कि आप पैसा फेंक कर हमको खरीदने नहीं आए हो, ना सरस्वती को खरीदने आए हो, ना इतनी औकात है तुम्हारी, इधर विनम्र रहना, प्रेम से रहना, प्रेम स्प्रेड करना, लव स्प्रेड करना, थिंग्स विल बी ऑल ग्रेट। कई बार ऐसा होता है कि बेंच पर कोई आकर बैठ जाएगा, कर जाएगा, माफ कर देना, किरकिरी करेगा कोई एक, माफ कर देना, कोई चिड़चिड़ करेगा, माफ कर देना, क्योंकि अच्छा रहता है यार, फिर मैं उस किरकिरी में चला जाऊंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। पंखे के मुझे एक भी बटन पता नहीं है, यहाँ पे है पंखे, मुझे पता नहीं है, तुमको अगर पंखा चालू कराना है या बंद कराना है तो यू नीड टू टॉक टू दी स्टाफ। तुम मुझे हाथ ऊपर करके बोलोगे, मुझे लगेगा क्वेरी, तुम बोलोगे पंखा चालू करो, फिर मैं उसको ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि कौन सा पंखे का बटन है, तो आप उसको ही बोल देना। आगे बात ध्यान में, और क्लास में आते वक्त कोई घाई गड़बड़ नहीं करेगा रोड पर। कितने लोग टू व्हीलर से आते हैं? नो वन इज गोइंग टू हरी वाइल यू आर कमिंग टू द क्लास। मेरे क्लास में लेट आए तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नालायक भूखा क्लास में नहीं आएगा, भूखे नंगे लोग पढ़ नहीं सकते। अबे इज्जत छुपाएंगे, पेट को बचाएंगे, ये साले पढ़ेंगे लिखेंगे, भूखे लोग नहीं पढ़ सकते भाई। वो मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को, क्या वो खाना मिलेगा तो बच्चे आए उधर? पढ़ना सेकेंडरी है, पहले खाना है, तो खाना खा पी के आना। अगर मान लो किसी कारणवश आप नहीं खा पाए, मेरे क्लास में खा सकते हो, आपका खाना कोई नहीं खाएगा, बाजू वाला अगर देख रहा है तो उसको दे देना, मैं तो नहीं खाता, मैं नहीं खाता आपका खाना। कभी खाना खा रहे हो तो अगर मान लो मेरी नजरें मिल गई आपसे, और नजरें मिल गई तो भरोसा मानो ऐसा दिखाने की कोशिश मत करना कि तुम नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो समझता है ऑब्वियस है कि तू कुछ खा रहा था, फिर वो इतना गंदा लगता है मुझे कि साला तुम ऐसे दिखाते हो कि अबे इसको बताना नहीं है। मतलब जो घर में पड़ोसी आते थे ना, जब हम कुछ खा रहे होते थे, धीरे से आम नीचे, नहीं तो पड़ोसी मांग लेगा, ये वाला काम मत करियो, समझे? ये मैं नहीं खाया भाई, आज तक किसी का खाना नहीं खाया मैं, जब तक कि ऑफर नहीं करे, उतने संस्कार है मेरे में, तो कोशिश करना कि आप जब खाना खाओ खा लेना, मतलब पर भूखे रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये नाटक भी थोड़े से कम करना कि मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पर भाई माँ बाप नहीं आए तुम्हारे इधर, बाहर से मिल रहा है, अब खाना सीखो, समझे? थोड़े से नाटक कम करो तो थोड़ी सी उनकी भी इज्जत करेगी। खाना खा पी के आने का, भूखा नहीं आने का। तबीयत का ध्यान कौन रखेगा? तुम खुद ही रखोगे, और खुद की तबीयत का, वो निब्बा निब्बी वाली चीजें नहीं है, ठीक है? ओ शिट, तू अकेला कैसे? हाँ गड गड गड, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना? अच्छा तो इस बार ग्रुप टू में पहले ऐसे डिसाइड हुआ कि इस बार पूरा फोकस करेंगे पढ़ाई पर, बेस्ट है ना? सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ए सुन रहे वे, ए गधेड़े सुन इधर, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखेंगे, गुड़िया सीधी बैठ जाना, लाइक पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे तो उसके लिए तबीयत आपकी अच्छी रहना जरूरी है, रात को समय पर सोना जरूरी है। अगर किसी के साथ चैटिंग बैटिंग करने की है तो थोड़ा सा पहले बिगिन करो, और उसको कभी कभी टाइम लिमिट में कंक्लूड कर देना। मैं नहीं पढ़ रहा तुम्हारे बजट में, बट प्लीज प्लीज प्लीज, ए सुन लो भैया, तुम सोगे नहीं,
तो क्लास में नींद आएगी। और मेरी और एक चीज है क्लियर, आज सर मेरी तबीयत ठीक नहीं। ए संध्या, मैं अभी गोली लेके आया हूं कि नहीं लेके आया हूं? खा कसम, तू देखो खा रहा है कसम, देख लो। और मैं इसको डरा नहीं रहा हूं, सही में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर इधर आ जाके बोलता ना कि देखो बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा है ना वैसा, तुमको कोई दया नहीं आती मुझ पर? कोई कोई दया नहीं आती? विषय सोपा है सर। अरे नहीं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड यार, विषय सोपा है। तबीयत तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं जैसा क्लास में आकर आज एक्टिव हूं या एक रीजनेबल लेवल ऑफ एक्टिवनेस है, सेम चीज मेरे को क्लास में चाहिए। मेरे क्लास में कोई सो नहीं सकता, और मैं पानी भी नहीं कुछ नहीं डालता है, मैं क्लास के बाहर निकलता है। रूल क्लियर है? रूल क्लियर है? वाई रूल इज क्लियर? सपोज ये सो रहा है, सपोज ये नहीं सो रहा है, सपोज ये सो रहा है, अब क्या हुआ इंपैक्ट? इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि आजू बाजू वाले लोगों को भी लगता है कि हम सो सकते हैं। अब साला ये खड्डे में कूदा, बाकी के लोग भी खड्डे में कूद रहे। नहीं, इधर तुम्हारे मां बाप के सपने जुड़े हुए हैं। तुम जिस दिन जिम्मेदारी समझोगे मेरी, तब तुम बोलोगे क्या कर रहा हूं। और इससे भाई साहब अगर बच्चे नहीं आए तो चलता है, मैं क्लास में सीधा बैठ, क्योंकि इतनी देर तक बोला नहीं था इसलिए चुपचाप बैठा था। मेरे क्लास में हेड डाउन नहीं चलता, तबीयत ठीक नहीं ना बाहर जाके सो, समझा कि नहीं? सिनेमा हॉल में जाकर सोने का नहीं, और हॉस्पिटल में जाके सिनेमा देखने का नहीं, दो अलग अलग चीजें, समझे कि नहीं? दोनों अलग अलग चीजें। नहीं तो तू बोलेगा हॉस्पिटल में साउंड सिस्टम वैसा चाहिए, वो बाजू वाला पेशेंट हार्ट पेशेंट वो मरेगा उधर, समझ रहा है क्या? और इधर जाके है ना धड़ नहीं करे, मतलब कसतरी होता है भाई, एड़े हाला कशाला इकड़े मग। तो सिंपल सी बात है, इधर जब तू जाएगा एडलैब्स इमेजिका में तो उधर खेलने का, उधर जाके ये नहीं बोलने का मेरे को सोने का है, समझे? और जब स्विमिंग में जाएगा ना तब उधर जाके नहीं बोलने का मतलब कसतरी होता है, मेरे को ठंडी बज रही है, जाने का नहीं पानी में। अपने क्लास का रूल सिंपल है, तेरे को ठीक नहीं लग रहा बाहर बैठ, क्लास में आके घाण करू नको, क्लास में आके कीड़े करने का नहीं। जो माँ बाप मुझे सुन रहे घर पर, अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा अच्छे से या बेटी अच्छे से पढ़ाई करे, पहली चीज पर काम करिए उनका पोस्चर। एक रिलीजियस धर्म बता दो मुझे, एक धर्म बता दो कि जिसके अंदर लेटकर भगवान की पूजा की जाती है। नहीं, आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस ऑन दिस काउंट नाउ। जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके आगे सब लोगों का माथा झुकता है, एक धर्म बता दीजिए मुझे जहां पर लेट के पूजा की जाती है या लेट के आप परवदिगार का दीदार करते, कोई एक जगह बता दीजिए सर। जब हमारी बात हमको भगवान तक पहुंचानी होती है तो उसके लिए कोई प्रोसेस बताई गई है। सो सर, शिक्षा के इस जगह पर मैं ऐसा कोई काम होने नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं आना है मत आओ, मैं क्लास में हेड डाउन अलाउड नहीं करूंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है जाके सो, उसकी व्यवस्था मैं करा दूंगा, कुठे झोपायचं कसं झोपायचं पांघरून वगैरह सगळं करेन मी अरेंज, ठीक है? उशी वगैरह अबे कुछ नहीं, तेरे को जो चाहिए वो सब अरेंज करा दूंगा, ठीक है? कुछ गलत मत सोची, ओके? कभी कभार तुमको अगर मेडिसिन की जरूरत पड़े, तो मेरे ऑफिस से ले लेना, मेरे ऑफिस में मेडिसिन का व्यवस्था रहता है। कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए कर जाए, मोच आ जाए कर जाए, तो यू कैन हैव दोज मेडिसिन हियर एंड ऑल, कहीं इधर उधर भागने के पहले। डॉक्टर डॉक्टर की कभी कोई जरूरत पड़े तो आई विल बी अवेलेबल। अजून काय सांगायचं होतं का संतोष? यार मेरे को समझ में नहीं आते यार जोक्स, तुम हंस क्यों रहे हो? होल्ड ऑन, यस गुड़िया बोलो। हाँ, किसको बुलाना है? इसका नाम सूरज है, तू खड़ा हो जाबे। इसका नाम संतोष है, और तुम नाम से बुला सकते हो क्योंकि तब जो इशारा करती है तो मेरे को लगता है मेरे को कर रही है। और विक्या बोलकर एक और बंदा है, वो भी अवेलेबल होता है, सो यू कैन आस्क ईदर ऑफ देम। और एक हेमंत है, ये और कुछ बोलना है क्या संतोष? सारे हाँ, वो थैंक गॉड यार हाथ मिला एक बार। संध्या बोला और कुछ बोलना है? संध्या बोला। और एक पॉइंट है, मोबाइल क्लास में मोबाइल वापरना अलाउड नहीं है, सॉरी यू कैनॉट यूज मोबाइल। सर क्या है, देखो रूल सिंपल है, तुम यूज करेंगे बाजू वाला यूज करेगा, तुम किसी के साथ चैटिंग करोगे उसको तकलीफ होगी, वो सिंगल होगा। अब यार ऐसे कष्ट नहीं दे सकते यार, ऐसा कष्ट देना नहीं, मतलब जो जो कपल है उन्होंने अलग जाना कि नहीं बताओ सच्ची, मतलब कष्ट होता है कि नहीं होता है?
कष्ट होता है सर, तो जो जो चैटिंग करने की है वो सब बाहर करने की। अच्छा तुमको फोन कॉल आया, अटेंड करने का है फोन कॉल। देर आर टू वेज टू डू इट, टू वेज टू डू इट। पॉइंट नंबर वन, यू आस्क मी, नो प्रॉब्लम, बट वो तब बात करना कि जब जीने मरने का सवाल हो, राइट। तुम हर चीज में मत करना कांड, क्योंकि मैं बजा दूंगा। ट्रेन की चेन कब खींचते हैं? जब जीने मरने का सवाल है। वैसे ही मुझे कब परमिशन लोगे? जब जीने मरने का सवाल है। दूसरा, परमिशन नहीं लेनी है तुम्हें, तुम्हें बात करने की, करो। क्लास के बाहर जाकर, टॉयलेट जाते हो तो कहां जाते हो? क्लास के बाहर जाकर, जहां है वहां का, वहां नहीं करने का, उठने का, जाने का, करने का। क्या गलत बात बोल रहा हूं मैं? तुम बोलोगे सर मैं अंदर बैठा हुआ था। अबे अंदर बैठा हुआ था, टॉयलेट करने का तो बाहर जाएगा ना। मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूं सर, सिर्फ आपको समझ नहीं आती चीजें, इसलिए ये उदाहरण लेने पड़ते हैं। आप जब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो तब तकलीफ होती है, मैं नहीं लूंगा। इफ यू आर कॉट विद द मोबाइल इन योर हैंड एंड डूइंग समथिंग, आपके घर में फोन जाएगा। ये डे वन को क्लियर कर दिया मैंने। मेरे स्टाफ आपको तंग नहीं करेंगे, आपका मोबाइल ले लेंगे और आपके घर में फोन कर आपको वापस दे देंगे। अगर आपने स्केल पेंसिल सही से यूज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फोटोग्राफ्स निकालकर उसकी आपके पापा मम्मी को व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, उनको मंजूर, तो हमें क्या जा रहा है? बात क्लियर हो गई? तो ये दो चीजें हमारे यहाँ पर होती है। पढ़ने लिखने के लिए आए हो तो मजा करो। अच्छा, और एक लास्ट चीज, एक और क्लास, दिस इज द लास्ट थिंग, आई स्वेयर। क्लास में मस्ती करना अलाउड है? मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लास में कोई सीरियस रहे। मस्ती करो, आवाज वाली मस्ती नहीं यार, दो मिनट रुक जा यार, रुक जा मेरे। अच्छा सुन ले रहा है भाई, अरे सुन ले रहा यार, ए डार्लिंग सुन ले जल्दी से, ए भाई सुन ले। सो कोई भी बच्चा सीरियस नहीं रहेगा क्लास में, सीरियस लोग आईसीयू में होते हैं, आईसीयू में बड़ी मजा आती है, नर्स होती है, बट कोई फायदा नहीं है आप सीरियस हो। हाँ क्या फायदा है? यू आर सीरियस, सो रिमेंबर यू नीड टू बी सिंसियर, लविंग, काइंड, हम्बल, पोलाइट एंड एंजॉय, बी अ चाइल्ड, यू डोंट हैव टू बी एट ऑल सीरियस। रट्टा मारने लगा कुछ नहीं, बिंदास रहो, क्लास में मस्ती करते रहो, बस ध्यान रहे, बस पकड़े मत जाना, मस्ती करते रहो, कोई टेंशन। अरे मैं खुद, अबे मैं बहुत कमीना था अबे, मैं जब तुम्हारी उम्र का था, मैं तुम्हें कौन से मुंह से बोल दूं कि तुम मस्ती मत करो, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखते हैं, नेक्स्ट या फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। भगवान को प्रणाम करके शुरू करते हैं आज के टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। कौन सा? वो कर देंगे रवि मैनेज, ठीक है, यस, आर वी ऑल रेडी? चलो लिखो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। सर एक डिस्क्लोजर दे दो, नहीं डिस्क्लेमर दे दो हेडफोन का। अभी ऑनलाइन लाइव वाले बोलते, पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आती चीजें, वो बोलते हैं कि हेडफोन कंपलसरी क्लास सुनने के लिए, क्या पता, मुझे नहीं पता। मतलब हरकतें तुम करोगे, मैं बोल भी नहीं सकता। मतलब तुम डॉक्टर बोलोगे, प्लम्बर बोलोगे, मैं बोल भी नहीं सकता। ठीक है, ये बड़ी तानाशाही है तुम्हारी। ए सुनना, वो पीडीएफ डाल दिया क्या? इसके ऊपर पीडीएफ डाल दिया। अच्छा वो मुझे एक बार अपडेट दो, बुक्स का क्या स्टेटस है, बुक्स कब तक पहुंचेगी बच्चों तक? वो ऑनलाइन लाइव में देता हूं बेटा जी। और कोई क्वेरी है क्या? सर जिन्होंने ग्रुप वन नहीं किया उनको कौन सी वीडियो देखने की है? मुझे, अच्छा मेरा नंबर ले लो एक, व्हाट्सएप करोगे मेजॉरिटी केस में रिप्लाई आ जाएगा, फोन करोगे मैं फोन नहीं उठा पाता। मेजॉरिटी केस में अगर आपकी क्वेरी में दम है तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, मेजॉरिटी केस में। सो दो जगह पे आप मुझसे टच में आ सकते हो, एक है इंस्टाग्राम, यहां पर भी मैसेज करने का, फोन करने का नहीं, वैसे मैंने इधर कॉल बंद करके रखा है। दूसरा व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, नहीं व्हाट्सएप क्या, मेरा मोबाइल नंबर भी वही है, 8600 32। और कॉल कर कोशिश मत करना कमी ना, तुरंत चेक करने की, वही नंबर है। ऑनलाइन लाइव अगर कभी प्रॉब्लम हो और आपको ऐसा दिख नहीं रहा हूं मैं, या कुछ भी इश्यू हो तो इस नंबर पर कॉल कर देंगे, तो मेरे साथ ही होता है फोन, आई विल बी एबल टू पिक इट अप, इज दैट ओके? सर प्लानर किधर मिलेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम में बताते रहूंगा बेटा, चिंता नहीं करना उसकी। इसमें कुछ चीजें और आपको मिलने वाली है बट मैंने वो कमिट नहीं करी अभी, वो मिल जाएगी। देखा ना कमीने ने फोन करके देखा, पहले मैं ही हूं क्या? तेरा नंबर अभी पब्लिक कर रहा हूं बेटा, मैंने बोला था कॉल मत करना। साहिल राय दे दूंगा सबको नंबर, दे रहा
स्नेहा गोयंका ने ट्रू कॉलर पर चेक किया कौन है बंदा ये। ओ साहिल गोयंका दे दू क्या तेरा नंबर। सुजल कुमार देखा देखिए बजाते क्या रहे आज। सिमरन मुंगा ने देखा ट्रू कॉलर पर मैं कौन है। विराट कोहली अशोक ठीक है चले भी आगे। ओके डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म ये कुछ बच्चों को टॉपिक था ट्वेल्थ में नोट्स के पीडीएफ एक दो मिनट मेरे को इनसे बात कर ले। कल्याणी आउटसेट मैंने नोट्स का पीडीएफ पिन कर दिया है आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलो डार्लिंग आई लव यू। सो माय फर्स्ट थिंग इज आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन। डिसॉल्व मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म। व्हेन आई से डिसॉल्व दैट मींस व्हाट एग्जिस्टेंस खत्म। तो जैसे शक्कर डिसॉल्व हो जाती है पानी में तो तुम ध्यान से चला करो पागल शक्कर हो तुम डिसॉल्व हो गए तो लिख कर ले लो डायलॉग लिख कर ले लो मारना गई तो। सो बेटा जी मैं आपको ये कह रहा था सुन लो ना यार कहां कीड़े कर रहे। मैं आपको ये कह रहा था कि डिसॉल्व होना का मतलब है खत्म हो जाना। सो बेटा जी फॉर्म डिसॉल्व हो रही है नाउ व्हाई इज द फॉर्म गेटिंग डिसॉल्व वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। अपन अकाउंटेंट है अकाउंटेंट के एंगल से बात करेंगे तो हमें एग्जामिनर आकर बोलेगा फॉर्म डिसॉल्व हो रही है और फॉर्म में कुछ पार्टनर्स है वो बोले पैसे बांट के दो हमको तो अपन वो कैसे करना है उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स व्हेन दिस और रादर फाइव सब पार्ट्स भी कर सकते हैं या तीन पार्ट पहले करते। सो डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है बहुत मेरे को और इंग्लिश में ज्ञान नहीं बांटने का मैं और फाड़ फाड़ में इंग्लिश बोल सकता है मैं स्पेलिंग बोम्ब हो गई ना वो एक ओ ज्यादा आ गया है एस भी ज्यादा है तेरे को भी नहीं आती स्पेलिंग अबे इसलिए राइस कम खा येड़े। सो डिसोल्यूशन ऑफ क्या गलत बात डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में बेसिकली देर आर थ्री पार्ट्स आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड दिस। सो वन इज व्हाट आई विल टेल यू रियलाइजेशन ऑफ असेट्स realization of assets okay and settlement of liability then there is piecemeal distribution ke andar beta ji first step proportionate capital method और एक और है इसके अंदर पीसमिल के अंदर ही पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में और एक है मैक्सिमम लॉस मेथड कौन सा मेथड पे मैक्सिमम लॉस मेथड। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एक दो तीन। फर्म इज सॉल्वेंट फर्म इज सॉल्वेंट के बाद में नेक्स्ट बताऊंगा। सम पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट एंड द लास्ट वन इज फर्म इज इनसॉल्वेंट। ठीक है सो फर्म इज सॉल्वेंट देन सम पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट एंड देन आई सेड फर्म इज इनसॉल्वेंट। जब सम पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट है तो उसमें और दो हिस्से बनते हैं एक बनता है गार्नर वर्सेस मरे रूल।
हो गया पुअर जोक, छोड़ के जाएगी पहले दिन ही, रात भी नहीं आएगी। गार्नर वर्सेस मरे, अब क्या गंदा जोक मार रहा है यार, क्या ऐसी भी नहीं आ रही है। गार्नर वर्सेस मरे, और दूसरा क्या, एज पर प्रॉब्लम या एज पर डीड, एज पर डीड, अगर डीड में बोला जाएगा तो एज पर डीड। लक्की माहेश्वरी थेरी का लेक्चर कहां से देखने का मैंने बोला हुआ है, तो वहां से जाके देखो। और आज या कल में मेरी ऑनलाइन आपकी जूम मीटिंग रहेगी, उसमें मिलते हैं। सर अभी मटेरियल आने का है, पीडी मोड का है, तो क्या ये लेक्चर देख सकते हैं? बिल्कुल देखो बेटा, आराम से देखो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का मतलब ये चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू है। इस टॉपिक का लिंक कहां कहां पे होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला टॉपिक मेरा ऐसा नहीं कि लल्लू पंजुली है, डे वन से ही लेट्स बी वेरी सीरियस। सो इस टॉपिक पर 20 मार्क का क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर हम यहां पर इंडेक्स देखेंगे, सो यू कैन सी 1, 2, 3, 4 इन 4 टाइम्स देर वर क्वेश्चंस ऑफ 20, 20, 25, 25 मतलब उसमें क्वेश्चन आया था 5 मार्क का और 20 मार्क का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कुल मिलाकर यह चैप्टर ऐसा है कि जो साधारण टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक का लिंक कौन से टॉपिक में क्यों सीरियसली करना चाहिए, डे वन को समझ लो। इस टॉपिक का लिंक है अमालगमेशन में, अमालगमेशन ऑफ कंपनी में। अगर आपको यह टॉपिक अच्छे से नहीं याद होगा तो अमालगमेशन ऑफ कंपनी में आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका एक पार्ट बहुत आसानी से कर लिया जाएगा, क्योंकि मैं अभी पढ़ाते वक्त ही उसी लॉजिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी आगे जरूरत होगी, तो मैं पढ़ाते वक्त आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि भाई साहब आपका अगला पार्ट भी बहुत आसानी से हो जाएगा, ध्यान से करना। सेकेंड और एक टॉपिक है जिसका नाम है अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म, अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फर्म। थोड़ा सा अगर बर्ड्स आई व्यू और इसको एक्सपांड करते हैं, अगर आपने अमालगमेशन ऑफ कंपनी अच्छे से कर लिया तो बेटा जी आपका कंसोलिडेशन अच्छे से होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब डिसोल्यूशन अच्छा नहीं हुआ तो अमालगमेशन पर इंपैक्ट आएगा, अमालगमेशन पर इंपैक्ट आया तो कंसोलिडेशन पर भी इंपैक्ट आएगा। इज दैट ओके? इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी से आप इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नाउ जरा सुनते जाइए, डिसोल्यूशन का मतलब है टू क्लोज द बिजनेस। नाउ हाउ टू क्लोज द बिजनेस? सो बेटा जी किसी भी बिजनेस को अकाउंटिंग की भाषा से अगर मैं बात करूं तो उसके पास दो चीजें होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्राइमरी है। पहला वाला है पी एंड एल अकाउंट और दूसरा वाला है बैलेंस शीट। अगर आपको सही से समझ में आ रही है चीजें तो पी एंड एल अकाउंट कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, क्लोज हो जाता है। पी एंड एल अकाउंट इज फॉर द पीरियड। सो पी एंड एल को क्लोज करने का बात नहीं है, पी एंड एल अकाउंट हमेशा क्या हो जाता है, क्लोज। पी एंड एल क्लोज हो जाता है। क्लोज कैसे होता है तो अगर आपको याद होगा तो बचपन में 11, 12 में आप क्या करते थे, आप नेट प्रॉफिट निकालते थे और नेट प्रॉफिट निकालकर कहां पे ऐड करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे। डू यू ऑल एग्री? तो मतलब नेट प्रॉफिट तो क्लोज हो गया ना, सारे सैलरीज वेजेस डेप्रिसिएशन अकाउंट सब क्लोज हो गए वहां पे। पी एंड एल अकाउंट का चिंता नहीं है, चिंता है बैलेंस शीट का। तो जब हम बैलेंस शीट को क्लोज करना मतलब जितनी भी असेट्स है उन सभी असेट्स को नॉन कैश मोड से मैं कन्वर्ट करूंगा कैश मोड में। जैसे ये एसी, इस एसी को मैं बेचूंगा, इससे क्या लेके आऊंगा, कैश। और ये कैश किसको दूंगा बेटा जी, लाइबिलिटीज को। सही है? सो हमारा काम ये होगा कि सारी असेट को नॉन कैश फॉर्मेट से कन्वर्ट करना कैश में, और उस कैश से हम क्या करेंगे राजा बेटा जी, विल मेक द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आई होप यू पीपल गॉट दिस पॉइंट। सो राजा बेटा जी बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखिए बैलेंस शीट में। स्टेप फर्स्ट लिख दीजिए एम्प्टी द बैलेंस शीट, एम्प्टी द बैलेंस शीट। हाउ टू एम्प्टी द बैलेंस शीट आई विल टेल यू। पी एंड एल अकाउंट को कोई सवाल नहीं है। सो बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, पी एंड एल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो फर्स्ट स्टेप है एम्प्टी द बैलेंस शीट। सेकेंड स्टेप यू विल हैव रियलाइज ऑल असेट्स, रियलाइज ऑल असेट्स। Which asset? Non-cash assets. Non-cash assets. Third one, pay liabilities. Pay liabilities. Liabilities का payment करिए. फिर next, calculate. Calculate. Profit or loss on realization, profit or loss on realization, and fifth point,
सेटल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यप पीपल, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टेप नंबर वन? एम्प्टी द बैलेंस शीट। सेकंड स्टेप, रियलाइज ऑल असेट्स। थर्ड स्टेप, पे ऑल लाइबिलिटीज। फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, सेटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें से एक चीज को हम पकड़ेंगे, एम्प्टी द बैलेंस शीट। आर वी रेडी? सो बेटा जी, एक बैलेंस शीट बना दो, तुम्हारी बैलेंस शीट। सर लाइबिलिटी लाइबिलिटी भरी है उसमें। एक बैलेंस शीट बना दे क्या? तो चलो बैलेंस शीट बनाते। बैलेंस शीट में पहले क्या होगा? पहले लाइबिलिटी होगा ना बेटा, असेट लिखते पहले। अच्छा थोड़ा सा मूड अच्छा रख। सो प्लांट एंड मशीनरी लीजिए, ये बच्चा बोल रहा है पी एंड एम। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ये बोल रही है फर्नीचर। तू भी खुश रहे बेटा, कैश नीचे आएगी बेटा। फिर इन्वेस्टमेंट, लो खुश रहो। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल, सर सुनना तो है नहीं तुम्हें। ट्रेड रिसीवेबल लेस क्या करेंगे? आरडीडी। लेस क्या करेंगे? आरडीडी। फिर ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर क्या करेंगे? स्टॉक। स्टॉक, ओ छोरे लिख। हाँ शादी में आएगा, लिखो लिखो लिखो। क्या हुआ? लिखे यार, फिर बैठा हुआ था तो झूठ ना को बोले यार। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा तेरे को, तेरे क्या दुश्मन है क्या? मैं तेरा दोस्त है यार, तू शर्मा रहा है। गोड़स तो रहे, तो मूवी में काम करता है। तुमको मराठी आती है? हाँ राजस्थान से। आप कहाँ पे हो? राजस्थान से। क्या बात है भाई छोरा, मैं खुद राजस्थान से हूँ, बट तू मीठा हंसता है एकदम। तो इसीलिए मैंने पूछा मूवी में काम की हो क्या कहीं। हाँ मूवी में काम की हो, वो मुझे लगा ही कुछ, बट यू डूइंग गुड। कैसे, मैं दो मिनट, कैसे फुटेज खाना इस बच्चे से सीखने का, और बड़ी विनम्रता से। बहुत जोरदार काम किया भाई। अरे सीरियसली बता रहा हूँ, इट्स अ गुड थिंग, यू टेकिंग इट इन रॉन्ग मैनर। कई सारे लोग बोल नहीं पाते, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब जैसे हमारा संतोष भी करता है, बट कभी बोल नहीं पाया। गुस्सा तो गुस्सा बाढ़ में जाए। संतोष क्या है, एक हाथ बार बीवी छोड़ के चली जाएगी, संतोष नहीं जाएगा, मैं श्योर है। है क्या नहीं रहे? है क्या नहीं रहे? सो बेटा जी, पहला आ गया ट्रेड रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल एंड स्टॉक। बेटा आज आप सुबह आए क्या? यू केम इन द मॉर्निंग, यू टायर्ड वेरी वेरी मच। नहीं ठीक हो ना? ठीक। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक। बेटा जी क्या मैं इधर बोल सकता हूँ क्या? कैश। एग्रीड। फिर इधर लाइबिलिटीज लिख देते बेटा जी। लाइबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स, फिर लोन, बोरिंग, फिर क्या बेटा जी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, बस हो गया ओडी? नहीं यार बस हो गया। और फिर इधर क्या आएगा? कैपिटल, कैपिटल आनंद एंड ऐश्वर्या। जलो मत रे, जलो मत यार, जलो मत प्लीज। आनंद एंड नहीं मतलब इसका जवाब देता मैं, बस कैमरा है, माइक है, रिकॉर्डिंग है, जवाब है वो एक। अरे नहीं फर्क पड़ता है मेरे को। रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या बोला? रिजर्व्स, रिजर्व्स माने पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट और मेरे को आई डोंट नो आई एम ब्लशिंग बट सो यू हैव गॉट पी एंड एल अकाउंट, यू कैन हैव जनरल रिजर्व एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा जल्दी से अभी पूरी क्लास एकदम अलर्ट होकर मुझे बताएगी, असेट्स को कौन सा बैलेंस होता है? सभी को यही बैलेंस पता है? किसी की असेट को क्रेडिट बैलेंस है? तो मतलब फिर वो लाइबिलिटी हो गई है, ठीक है। सो हर एक को असेट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है?
मुझे लगा तुम दोस्त हो, तुम भी ऐसे हो। एक अकेले आदमी के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है, इधर इधर 600 लोग पीछे पड़े, इधर 500 600 लोग पीछे पड़े, ऐसा थोड़ी होता है सर। कितना स्वीट अच्छा आदमी हो तो क्या ऐसा करोगे क्या? ऐसा सही नहीं यार भाई, जिस दिन आवाज निकलने लगेगी नहीं है तकलीफ हो जाएगी, मत करो ये। मैं आपको क्या बोला, असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। और कैपिटल को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। रिजर्व्स को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। रिजर्व्स कैन ऑल्सो बी अ लॉस, इट कैन ऑल्सो हैव अ डेबिट बैलेंस। सो रिजर्व कैन ऑल्सो हैव विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डू यू ऑल एग्री? यस। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये सारी असेट्स यहां पर कौन से वैल्यू पर होती है? बीवी, बुक वैल्यू। होपलेस बीवी हो। हाँ, पूछो एक क्वेश्चन। असेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू पर होती है? बीवी, बुक वैल्यू। पापा के सामने भी बोल सकते हो बिंदास। असेट्स किस पर होती है पापा? बीवी। वेरी गुड। ठीक है, चप्पल नहीं रे प्रसन्न, तेरे पापा तो नहीं मारेंगे, मैं मिला हूं उनसे, तेरे पापा तो नहीं मारेंगे यार, झूठ झूठ बात मत कर, है ना? तू जाके बोल देना इन जनरल। अच्छा अच्छा, सुन लिया आप? असेट कौन सी वैल्यू पर? बीवी। लाइबिलिटी कौन सी वैल्यू पर? बीवी। और मैं अभी आपको बोल रहा हूं एम्प्टी द बैलेंस शीट, ओके? तो किस पर एम्प्टी होगा? बीवी। कॉमन सेंस की बात है। एम्प्टी द बैलेंस शीट मतलब हमें जब धंधे को क्लोज करना है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच आई हैव टू डू इज आई हैव टू एम्प्टी द बैलेंस शीट, एंड टू एम्प्टी द बैलेंस शीट आई हैव गॉट एन अकाउंट, आई हैव गॉट अ प्लेस वेर आई एम गोइंग टू एम्प्टी इट, सो आई विल क्रिएट थ्री अकाउंट्स, नो वन इज गोइंग टू राइट नाउ, सो आई विल क्रिएट वन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज लाइक अ यू नो P&L अकाउंट, जिसके अंदर हम सारे बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस को डालते हैं, वैसे ही हम इस रियलाइजेशन अकाउंट में सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को डालेंगे। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट कैपिटल इज नॉट अ लाइबिलिटी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट रिजर्व इज नॉट अ लाइबिलिटी। वॉट बिलोंग्स टू द ओनर इज नॉट अ लाइबिलिटी। वॉट बिलोंग्स टू आउटसाइडर इज अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर बिलोंग्स टू द आउटसाइडर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू द आउटसाइडर। एनी प्रोविजन फॉर वॉरंटीज बिलोंग्स टू द आउटसाइडर। दोज आर लाइबिलिटीज, एंड लाइबिलिटीज एंड असेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट ओके? सो आई विल बी क्रिएटिंग वन मोर अकाउंट कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। से यस। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा, आनंद एंड ऐश्वर्या। वो दूसरी वाली है ऐश्वर्या नाम की, बहुत होती है यार लड़की है, उसमें क्या है? अच्छा मुझे बताओ इस क्लास में कौन कौन ऐश्वर्या? हाय, शी इज माय सिस्टर, यू सी, यू सी, She is my sister. अरे तेरे छोड़ो रे तुम। So we have got partners capital. Have you all understood? Yes, sir. And then boys and girls, there is something called as cash oblique bank account. Now you will ask me why cash oblique bank account? Because cash bank is already in realized format. So that is the reason we are not going to put it into the what? Realization account. So the rule number one is you have to create three accounts. Out of that, one account is called as realization account. In realization account, I will transfer all the assets and liabilities at book value. जल्दी से बताओ हम क्या ट्रांसफर कर देंगे? All the assets and liabilities at book value. Partners capital will be transferred to partners capital account credit side. Reserves belongs to whom? Partners. So will be transferred to old partners in old PSR. Okay. And what about this cash oblique bank? Cash oblique bank has a debit balance, so we'll carry forward it. So I'll write down two balance brought down. If you are understanding the ledger concept well, अगर आपको ledger सही से समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पूरा business is now converted into only three ledger account. One is realization, one is partners capital, and the other one is cash bank. मतलब अब मेरे पास कोई plant and machinery account pending रहेगा ही नहीं। ना मेरे पास लैंड का अकाउंट रहेगा, ना मेरे पास क्रेडिटर का अकाउंट रहेगा, ना मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सारी चीजें कहां जाके बैठ गई है? रियलाइजेशन अकाउंट। से यस। गुड गर्ल, वेरी गुड। आज बोला नहीं हूं, अगली बार से छोड़ूंगा नहीं, सुन लो। सो बेटा जी, कैन आई नॉट ट्रांसफर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट? डेबिट साइड। सो यू आस्क मी व्हाई? यू सेड मी असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो असेट को क्या करूंगा तो खाली हो जाएगी? क्रेडिट।
तो बेटा जी हमारी एंट्री आएगी टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट. डेबिट किसको करेंगे, उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट. तो बेटा जी क्या पूरी क्लास को क्लियर हो गया कि रियलाइजेशन अकाउंट में एम्प्टी द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, एम्प्टी द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू. जल्दी से बता दो मुझे, हाँ याद नहीं आया, याद आ गया. असेट को कौन सा बैलेंस, उसको एम्प्टी करने का, कैसे एम्प्टी करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे. एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज को एम्प्टी करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट. लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, डेबिट. एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जल्दी से मुझे बताओ कौन सी वैल्यू पर, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू. वाव. और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ऐसे लिखेंगे ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. और फिर क्या करेंगे, रिजर्व्स. सो बेटा जी हमारी एंट्री आएगी बाय रिजर्व्स. ये जल्दी से मुझे बताओ रिजर्व्स को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट. तो अगर अब मुझे उसको एम्प्टी करना है, उसको निकालना है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर. ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स को बांट देंगे. अयो कैश को कौन सा बैलेंस रहता है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि इट इज ऑलरेडी इन रियलाइज फॉर्मेट. सो इसलिए उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई चिंता, मेरे को एक बात फिर से नहीं समझ में आ रही, बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू पर होती है. अब बात सुन लो, रजिस्टर कर लो, मेजॉरिटी टाइम बच्चा गड़बड़ यहां पर ही करता है, वो बुक वैल्यू को भूल जाता है, वो मार्केट वैल्यू लेता है. मार्केट वैल्यू पर बैलेंस शीट एग्जिस्ट करती नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर करती है, बुक वैल्यू पर करती है. तो आपको असेट्स और लाइबिलिटीज को हमेशा एम्प्टी किस पर करना है, बुक वैल्यू. इसके अंदर एक मोटा मोटा एडजस्टमेंट आ जाता है, एक बहुत बढ़िया वाला. क्या एडजस्टमेंट आता है, एम्प्टी द बैलेंस शीट बट बैलेंस शीट डेट एंड डिसोल्यूशन डेट. अबे डिसोल्यूशन की स्पेलिंग अभी तुमने गिल्ट डाल दी, डजंट मैच. मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट डेट एंड डिसोल्यूशन डेट डजंट मैच. सो व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव यू द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, और बैलेंस शीट डेट 31 मार्च होने के बाद में आपको यह कहा जाएगा डिसोल्यूशन हो रहा है 30th जून को. डिसोल्यूशन कब हो रहा है, 30th जून को. भेजे में गई बात की नहीं, इल्ले चलो ऑफिस से पूछता है. लास्ट टाइम तुम्हारे पास बैलेंस शीट दी है 31 मार्च और तुम्हारे को बोला है डिसोल्यूशन हुआ 30th जून, तो मुझे बताओ क्या 31 मार्च की बैलेंस शीट लेकर मैं 30th जून को डिसॉल्व कर सकता है. नो, 30th जून की मुझे बैलेंस शीट लगेगी. तो देन दैट क्वेश्चंस गेट कन्वर्टेड इनटू फाइनल अकाउंट प्लस डिसोल्यूशन. तो पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और फिर डिसॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा. इज दैट ओके. सो व्हाट इज द फर्स्ट मैंडेटरी थिंग यू शुड हैव, दैट इज यू शुड हैव बैलेंस शीट. सो कैन वी राइट डाउन अ नोट, राइट डाउन अ नोट, राइट डाउन द फर्स्ट नोट. एम्प्टी द बैलेंस शीट एट, ए वो तो लिख दिया ना हमने, एम्प्टी द बैलेंस शीट. नहीं अभी इसके आगे और लिख देते, एम्प्टी द बैलेंस शीट हेडिंग लिखो, एम्प्टी द बैलेंस शीट. उसके अंदर फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, एम्प्टी द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू. ओके. सेकेंड, ट्रांसफर assets and liabilities to realization account, to realization account at book value. Transfer assets and liabilities to realization account at book value. Do you all copy this? Third one, transfer partner's capital and reserves to partner's capital account, to partner's capital account. Fourth point, cash oblique bank is not transferred to realization account as already in realized state, as already in realized state. Is that okay? Yes. Shall we proceed, friends?
What? No. We'll have to proceed, sir. Fifth, if balance sheet given in question not equal to balance sheet, not equal to dissolution date. डिसोल्यूशन डेट, डिसोल्यूशन की स्पेलिंग नहीं आ रही इसलिए मैंने डिस लिख दिया है, तुमने पूरा लिखना है, जो है सच वो बता दिया यार, कल आ जाएगी मेरे को बड़े याद करने से, मैं कल घर पे याद नहीं करके आऊंगा, बट अभी वो अटक गई है स्पेलिंग नहीं आ रही बाहर, तो कल आएगी तो बता दूंगा। इफ बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट गिवन इन क्वेश्चन डज नॉट टैली विथ डिसोल्यूशन डेट, ओके, सो फिर हम क्या लिखेंगे, क्रिएट न्यू बैलेंस शीट। एग्जाम्पल, बैलेंस शीट गिवन एज पर क्वेश्चन, बैलेंस शीट गिवन एज पर क्वेश्चन इज 31st March 2023 एंड बैलेंस शीट नहीं, डिसोल्यूशन डेट तुम्हारे लिए कमीनो, एंड डिसोल्यूशन डेट इज, मैं बोला था ना अटकी हुई थी, डिसोल्यूशन डेट इज 30th June 2023, सो देन क्रिएट बैलेंस शीट एज ऑन 30th June 2023। हैप्पी, गुड, ये एम्प्टी द बैलेंस शीट के पॉइंट्स है। शैल वी नाउ प्रोसीड, what is the next thing we have to understand? Now what is the next thing? Realize assets. Is that okay? Now realize the asset ko heading likhte hai. Haan beta, likhna baki hai? Likho, jaldi se likho. I am waiting. Pani kaha hai Santosh? Garam hai, thanda hai? Haan? Kaha? Garam chahiye yaar. Kya kar rahe yaar tum? Maar dalega mere ko to. चलिए अभी सुनते जाते हैं, सांस लो, जब होता नहीं अपने से मैनेज करते क्यों, स्टैमिना की बैंड बजी पड़ी है। रियलाइज असेट्स, बेटा सुनो ना, रियलाइज असेट्स के बारे में आपको मैं चार सिनारियोज बता रहा हूं और पूरी क्लास पहले उस पर फोकस करेगी, क्या चार सिनारियोज बता रहा हूं। एक, रियलाइज्ड इन कैश, कोई लिख नहीं रहा है, रियलाइज्ड इन कैश। थर्ड वन, टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर, थर्ड वन। Asset assigned, assigned to liability, इसका मीनिंग समझाऊंगा बेटा मैं। और तीसरा वाला इसके अंदर मैं लिख रहा हूं, अनरिकॉर्डेड असेट, असेट रियलाइज्ड, रियलाइज्ड इन कैश। अब ये कैश भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, असाइंड भी हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे, बट पहले मुझे ब्रॉडली बात करनी है। अगर असेट रियलाइज्ड इन कैश है तो आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, कैश आएगी। सो नाउ यू टेल मी, व्हाट विल यू डू विद द कैश, डेबिट, कैश विल बी व्हाट, डेबिटेड, बिकॉज व्हेन यू आर रिसीविंग द कैश इन द बिजनेस यू विल डेबिट द कैश। नाउ अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉयज एंड गर्ल्स, डू यू थिंक सो असेट अकाउंट इज ओपन इन योर बुक्स, आई एम आस्किंग एवरीवन, डू यू थिंक सो असेट अकाउंट इज ओपन इन योर बुक्स, give reason why, we have already transferred it to what, realization, so when asset is realized in cash, for that matter any asset is realized in cash, you will simply make an entry cash / bank to realization. Now some of the students will get confused ki sir plant and machinery hai, confuse karne ke liye examiner kya bolega, suno ki plant and machinery hai, book value hai uski 10,000
और उसको सेल किया है हमने राइट 12,000 में। सो तुमको यह पता है ना कि प्रॉफिट कितने का आता है 2,000। अब आपको आदत क्या पड़ गई बचपन से, आप एंट्री करते हो कैश पब्लिक बैंक 12,000 टू असेट अकाउंट 10,000 टू प्रॉफिट। इन रियलाइजेशन अकाउंट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। व्हाई आई विल टेल यू द रीजन। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाओगे तब आप होगा क्या कि आप पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट करोगे। सो एम्प्टी द बैलेंस शीट में आपने प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया बेटा जी कितना 10,000। ये बुक वैल्यू पर एम्प्टी हुआ था, बोलो हाँ है ना। एम्प्टी द बैलेंस शीट में आपकी एंट्री थी रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी। लेट मी गो बैक टू द सम बेसिक्स। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट बैलेंस होगा, आप उसको क्रेडिट करोगे कहां पर, उसको एम्प्टी करोगे रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री हुई रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू। डू यू एग्री? नाउ आई एम सेइंग दैट द असेट इज रियलाइज्ड इन कैश। So can I use the word plant and machinery? The answer came no. I cannot use plant and machinery because plant and machinery account open hai nahi. Mere paas kaun sa account hai? Realization. So my entry is cash oblique bank to realization. So can I not write down by cash oblique bank 12,000? Now the next question where the students get confused. Sir, should I calculate the profit and loss and make the entry of profit? No. Check the realization account. You will see automatically profit is accounted for. 12,000 minus 10,000 profit is automatically accounted for. So rule kya bana? Do not make the entry of profit or loss on sale of any asset. किसी भी असेट को बेचने पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस की एंट्री मत करिए जैसे आप फाइनल अकाउंट में किया करते थे, क्योंकि वो एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में सारी असेट आ चुकी है बुक वैल्यू पर, क्रेडिट में सेल वैल्यू आ जाएगी। सो राजा बेटा जी हमारे को उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट बेटा मुझे बताओ एम्प्टी द बैलेंस शीट किस पर होती है, बट रियलाइजेशन किस वैल्यू पर होता है? मार्केट वैल्यू। ये बेटा जी गधे से गधे बच्चे को भी पूछेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सर बेचते तो माल मार्केट वैल्यू पर होगा बट एम्प्टी द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। एमवी इज व्हाट? बेस्ट है। कैन आई आस्क यू नाउ नेक्स्ट? टेकन ओवर बाय पार्टनर। नाउ टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर इज अ पर्सनल अकाउंट। सो व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश व्हाट इज द एंट्री यू डू? कैश टू कैपिटल। When partner takes away cash, for example, drawing शब्द use नहीं करे, drawing शब्द use नहीं करे, तो हम entry क्या करेंगे? Capital to cash। हाँ या नहीं? कुल मिलाकर shortcut ये है कि पैसा अगर वो लेके आए तो capital को credit, लेके जाए तो capital को debit। 11th का base अगर हम लगा के चले तो हमारी इधर entry क्या होगी बेटा जी? Partner's capital to a realization account। Say yes। So, जो पार्टनर ले गया उसको डेबिट एंड टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जी मुझे लगता है दोनों आपको ट्रांजैक्शन समझने में भी आसानी गई होगी, बट बेटा जी थर्ड वाला देखते हैं। असेट असाइंड टू अ लाइबिलिटी मींस व्हाट? आई हैव गॉट वन डेटर एंड आई ऑल्सो हैव वन क्रेडिटर एंड वन क्रेडिटर। तो मेरे क्लास में एक बार ऐसा किस्सा हुआ, एक छोरी आई पढ़ने के लिए, हाँ, और उस छोरी की मम्मा डेंटिस्ट थी, हाँ। तो उस छोरी को मैंने बोला कि ये फीस है। सो शी सेड ओके एंड समहाउ आई डोंट नो कुछ बात निकली एंड शी सेड कि मेरी मम्मा डेंटिस्ट है। तो बोला ग्रेट। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को दांत का ट्रीटमेंट कराने का है। हाँ मेरा एक दांत का ट्रीटमेंट कराया हुआ है, मैं दिखा सकता है। सो ये डील हुआ कि तुम जो फीस देने वाली हो वो फीस रिसीवेबल है मुझे और मुझे तुमको फीस देना पड़ेगा तुम्हारे मम्मा को, दैट इज फीस पेएबल। सो फॉर एग्जांपल फीस रिसीवेबल वाज 15,000 एंड फीस पेएबल टू हर मॉम वाज 8,000। सो यू टेल मी हाउ मच शुड आई चार्ज हर नाउ? क्या गणित लगाया तुमने? गणित क्या लगाया? क्या क्या गणित लगाया? सेट ऑफ। जिनको नहीं समझा मैं वापिस बताऊ, मैं इधर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुमको आज मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि तुम बोलोगे भेंडी इस ट्रांजेक्शन में इतना भी हो सकता है क्या? ये मैं है, ये छोरी की मम्मी, ठीक है, कौन? अब गाना गाओ, अब गाना गाओ, कोई प्रॉब्लम, गालो गालो। हाँ सो ये मैं है और एक वो है डेंटिस्ट मैडम। अब डेंटिस्ट मैडम ने मेरे दांतों का ट्रीटमेंट किया, ठीक है, आओ जो भी किया यार क्या रगड़ रहा है। सो डेंटिस्ट मैडम ने बोला कि आपका बिल हुआ साहेब 8,000, हाड़ी हुआ ना, और मैंने बोला आपकी छोरी के मुझे पैसे आने आपसे
15,000, ठीक है। तो मैडम ने सेटल किया, मुझे पैसे दिए 7,000। तुम्हें पता क्या हुआ? मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर था, मेरा जीएसटी बच गया, क्योंकि जो फीस मिलती 15,000 तो उस पर मैं जीएसटी भरता, और जो मैडम को फीस मिलती मैडम भी उस पर जीएसटी भरती। नहीं समझे? ग्रुप वन हुआ है ना, जीएसटी बच गया, जीएसटी बच गया ना। पर इतना सब कुछ बताने के बाद में अब अकाउंटिंग की इतनी तो बात बता दो कि भाई साहब 7,000 रिसीव्ड की एंट्री तो सिंपल है मेरे बुक्स में, कैश ऑब्लिक बैंक टू फीस, ये एंट्री तो सिंपल है। यू गिव मी द एंट्री फॉर 8,000 इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई, एंड इट इज अ सीरियस ट्राई। कौन बच्चा बोला? कैन वी क्लैप फॉर दिस गाय? अंडी बंडी शंडी जो ताली नहीं बजाएगा। तो इसकी एंट्री आएगी नो एंट्री। कौन सी ड्रॉइंग्स की एंट्री आएगी? मां When asset is assigned to a liability, no entry. Asset गायब, liability गायब, entry कहीं को करेंगे? Entry करेंगे तो सारा GST घुसेगा ना। तुमको इतना प्रेम से बताया मैंने GST save किया है, अभी GST तब save करूंगा ना जब वो वाला transaction enter नहीं करूंगा। Yes or no? So बेटा when the asset is assigned to a liability, that means there is a receivable and to the same person there is payable. So what you do is, you know, असेट और लाइबिलिटी को नॉक ऑफ कर देते। याद है बचपन में? बचपन में जाओ, बचपन में कॉमन डेट बोलकर टीचर सिखाती थी, बेटा कॉमन डेट फाइंड द लोअर अमाउंट। याद आ रहा है क्या? अच्छा नहीं आ रहा, एंट्री करते थे क्या? क्रेडिटर टू डेटर, समझे? तो तुम मुझे पूछो क्वेश्चन, क्यों फिर अभी क्यों नहीं कर रहे तुम एंट्री? नहीं नहीं क्यों नहीं कर रहे तुम, पूछो मेरे को क्यों नहीं कर रहे एंट्री? क्योंकि मेरे झंडू के बाम क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में बैठा है और डेटर भी रियलाइजेशन में बैठा है। अब क्या एड़े चाले कर एंट्री करेगा? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, फिर लोग दूर दूर से पथरा मारते निशाना लगा लगा के। ऐसा नहीं करने साहब, तुमको समझा क्या मैं क्या बोला? साहब को तो नहीं समझा तुम जो ये लगा क्या है? हाँ समझ गया, बेस्ट है तुम सर। मैं तुमको वापिस एक बार पूछता है, पूछ लो पूछ लो। हे सुनना हेमंत, तू भी सुन, नहीं मतलब तुमको अच्छा लगेगा, इसको नहीं समझेगा तुमको समझेगा। इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि असेट मेरी कहां एम्प्टी हो चुकी है? रियलाइजेशन, तो हमने एंट्री करी थी रियलाइजेशन टू असेट। लाइबिलिटी मेरी कहां एम्प्टी हो चुकी है? रियलाइजेशन में। एंट्री क्या करूंगा मैं? लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, मतलब मेरी असेट भी रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन में। अब मैं असेट लाइबिलिटी को दे रहा हूं या लाइबिलिटी असेट को दे रहा हूं, है ना? नॉक ऑफ, तो नॉक ऑफ की एंट्री आप बचपन में सीखे थे, क्रेडिटर को कम करो डेटर को कम करो। से यस और नो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, दिस इज द एंट्री यू अंडरस्टूड। कॉमन डेट, ये कॉमन डेट ही है, या ये ऐसे समझ लीजिए असेट इज असाइन टू अ लाइबिलिटी। उस केस में बेटा दोनों ही असेट और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ही है, तो मैं एंट्री करूं कैसे? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन करूं क्या? इसीलिए वर्तिका नहीं वेदिका इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। इज दैट ओके? तो इसको हम एक केस स्टडी के थ्रू भी समझेंगे। So asset assigned to a liability, what will I write down? No entry. Wow. Wow. अच्छा जो कोई भी ऑनलाइन लाइव मुझे देख रहे हैं, स्पेशली जीएसटी ऑफिसर एंड ऑल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन बच्चों को समझा रहा हूं मैं। प्लीज आप गलत फहमी में मत रहना, आके चेक कर लो, कोई दिक्कत? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मेरे किसी दांत का ट्रीटमेंट हुआ है। आप आके देख लेना, ठीक है? चाहो एक एक दांत चेक कर ले, सब ओरिजिनल है मेरे। मैं हर रोज ब्रश करता हूं 2 टाइम, ठीक है? थैंक यू। नहीं एक टाइम करता हूं, ये झूठ बोला मैंने, एक टाइम करता हूं। बट आर यू ऑल रेडी? अरे नहीं साले, वीडियो देखकर आएंगे किसके साथ किया था ट्रांजेक्शन। और मैं किसी डेंटिस्ट मैडम को नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता ही नहीं हूं, तो कहां से कुछ भी। सुन रहे हो मेरी बातें? यार सुनो ना, असेट इज रियलाइज की एंट्री बता दो ना। कैश ऑब्लिक बैंक, अंडी बंडी शंडी प्रसन्ना, कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना? व्हेन द असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, व्हाट इज द एंट्री? हा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। असेट इज असाइंड टू अ लाइबिलिटी, मतलब असेट लाइबिलिटी को दे दी या लाइबिलिटी असेट को दे दी, नो एंट्री। और
चौथा वाला अनरिकॉर्डेड एसेट इज रियलाइज्ड इन कैश, इसके बारे में मैं बताता हूं। तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ? मेरे साथ तो होता है, मैं सच्ची बता, अबे सुन तो लो, मेरे जिंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास कुछ पैसा है। क्या क्या तुम्हें पूजा मैम की एक बात बता दो, लंदन घर से याद है, पूजा मैम दुबई में अपना नंबर यूज कर रही है, इतना पैसा है। व्हाट्सएप कॉल नहीं करती पूजा मैम मुझे, दुबई से अपने नंबर से कॉल करती है। मेरे फोन में इतने का रिचार्ज करा देता, मैं बिल भर देता, मेरा फोन फूट जाता। उतना उसकी औकात नहीं है, बोले येड़ा है क्या, इतना थोड़ी ना वॉलेट में अमाउंट की लिमिट है, बोरी जितना पैसा थोड़ी ना डाल सकते। उनके मोबाइल में बोरी जितना पैसा डाला और लेकर गए उधर। हाँ अच्छा, तुमको भरोसा नहीं, ये ले, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझ पर शक किया, गरीब आदमी होना बहुत बड़ा पाप है सर। ये देख लो, मैंने पूजा मैम का ही नंबर लगाया, ठीक है, नहीं दिख रहा तो इधर आके देख ले, अब तेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मैं क्या करेगा। मुझे समय दो, थोड़ा समय दो, मैं सुनो, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड इन व्हाट, कैश। ये सुनो ना भाई, ये ऑनलाइन वाले पागल हो गए हंस के। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड इन कैश, उसके बारे में चर्चा कर ले, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी। तो ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को पैसा सिर्फ मतलब अलग जगह से भी आएगा। अरे यार तुम, सो मैं अभी इसका जवाब दे दूं ना तो तुम्हारी बच जाएगी बारा, बस मैं मेरे लिमिट में हूं और ये अच्छी उचित बात नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, तुम प्लम्बर से पढ़ रहे हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, I've got no issues. I am still little greater than you. खत्म है मुझे। नहीं मतलब तुमको गंदा लगेगा, मैं कुछ बोलूंगा मैं लेवल छोड़ूंगा, तुमको भी गंदा लगेगा। नहीं यार लेवल नहीं छोड़ना, जो कैसे मारो जो एकदम ऑब्वियस ना हो, फिर मजा आती है। फिर अलग अलग लोग कुछ लोग भोले रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, फिर वो कुछ सोच रहे हैं, तुम कुछ सोच रहे हो, कोई और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या है ऐसा ऑब्वियस वाली चीजें नहीं करने की। सुना ना, अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज इन कैश के बारे में मैं ये समझा रहा था कि मुझे कई बार ऐसी चीजों के पैसे मिल जाते हैं जो मेरे बैलेंस शीट में है ही नहीं। जैसे कि मैं चुपके से मेरे घर की रद्दी बेच के आ जाता हूं। अरे हंस रही है, मैंने तो बेची है भाई, तुमने नहीं बेची कभी? दिवाली पर फटाके खरीदने के लिए माँ को हेल्प करने का, पूरा सब सामान वामान हेल्प करने का, फिर उसमें से जो भी कबाड़ अबाड़ की चीजें मिलती है, और क्या मजा आता था उसको ले जाके भाव ताव करके बेचो, फटाके लेके आओ, बहुत मजा आता था। अब तुमने बेचा नहीं तो तुमको मजा नहीं आ रहा है, जाओ आज काम करो, जाके घर की साफ सफाई करो, माँ भी खुश होगी, रद्दी निकालो, जाके बेच के आओ, पसीना पसीना हो जाता है एड़े। सो अनरिकॉर्डेड एसेट को जब आप बेचते हो तब आपको क्या मिलेगी? सुनो, अनरिकॉर्डेड एसेट को जब आप बेचते हो तब आपको क्या मिलेगी? कैश। बेटा जी इस टॉपिक में जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन अकाउंट है, टू रियलाइजेशन अकाउंट से यस। सो अगर अनरिकॉर्डेड असेट को बेचा तो सिर्फ बेचने की एंट्री करोगे, रिकॉर्डिंग की एंट्री नहीं करोगे। आई रिपीट अगेन, अनरिकॉर्डेड असेट को बेचा तो आपको क्या मिलेगा? कैश। आप डायरेक्टली एंट्री करोगे कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट से यस। नेक्स्ट चीज, इसके अंदर अगर पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन से यस। बेटा जी अगर अनरिकॉर्डेड असेट, सुन साहिब सुन, ए भाई एडे सुन, बहुत नहीं अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्रिटिकल मामला है, प्लीज ध्यान से इसको याद करा दूंगा, आज थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं मैं, बट प्लीज ध्यान से सुन लो। अनरिकॉर्डेड असेट इज असाइंड, अनरिकॉर्डेड असेट
इज असाइंड, तुमने सुना मेरी बात? देखो बेटा मैंने आपको लॉजिक समझाया था, तू ये ना कह रहे मैं कब से बोल रहा है, सुन ना तू मैं क्या बोल रहा हूं। असेट इज, डर गया बेचारा, असेट इज, सुना ना, सुना सुना सुना, असेट इज असाइंड टू अ लाइबिलिटी। मैंने उसके लिए बताया था नो एंट्री, पहले मुझे रीजन बताओ क्यों नो एंट्री, रीजन में चलते दोनों चीजें रियलाइजेशन में। बट बेटा जी अनरिकॉर्डेड है मतलब बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं है तो इसका मतलब एम्प्टी नहीं हुआ, एम्प्टी नहीं हुआ मतलब रियलाइजेशन में नहीं गया। हाँ बट लाइबिलिटी रियलाइजेशन में बैठी हुई है, अनरिकॉर्डेड असेट गिवन और असाइंड टू अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड। मतलब मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट थे जो रिकॉर्डेड नहीं थे बुक्स में। वो क्यों नहीं थे मैं आगे बताऊंगा। कई बार इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर और परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर एएस 13 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ होकर उसकी वैल्यू हो गई जीरो, इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ होकर उसकी वैल्यू हो गई जीरो उस समय। बट धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट ने वैल्यू पकड़ी और वो वैल्यू बढ़ गई, उस केस में इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं है तो एम्प्टी नहीं हो पाया, बट मेरे पास वो असेट है। या दूसरी एक चीज, असेट 100% डिप्रिशिएट हो गया। 100% डिप्रिशिएट होने वाली चीजें कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर डिप्रिशिएट हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एक बिल्डिंग का पार्ट था वो डिप्रिशिएट हो गया। 100% डिप्रिशिएटेड मींस इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज एग्जिस्टिंग फिजिकली, एंड व्हेन इट इज एग्जिस्टिंग फिजिकली सो दैट इज अनरिकॉर्डेड असेट। नाउ अनरिकॉर्डेड असेट इफ आई हैव टू असाइन टू अ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड, नाउ वेयर इज माई लायबिलिटी सिटिंग, माई लायबिलिटी इज सिटिंग ऑन वॉट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, से यस। नाउ कम्स अ क्वेश्चन, सोच के बताना, गोबर मत करना, मैं लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा ये चीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, सॉरी अनरिकॉर्डेड असेट असाइन टू अ लाइबिलिटी, विल यू मेक एन एंट्री रियलाइजेशन टू? सो ये बोल रहा है रियलाइजेशन टू अनरिकॉर्डेड असेट। एनीवन एल्स? कौन से बच्चे ने नो एंट्री बोला? Can you give me the reason? The answer is right. Okay. मतलब एंट्री तो नो एंट्री आएगी, बट देन मे बी वॉज लिटिल स्केयर्ड, सो लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। मतलब देखो मैंने थोड़ा सा माहौल बनाया तो तुमने आंसर मेरे हिसाब से नाचना गाना शुरू कर दिया। एग्जाम में कभी इस माहौल से नहीं जाने का, वो एग्जामिनर जो भी माहौल बनाए पेपर में लिखकर, भूमिका तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए, एकदम विजन क्लियर चाहिए। माहौल लोग बनाने से आपको लगता है कि शायद ये सही ये गलत, ऐसे एंट्री होनी चाहिए वैसे एंट्री, मैंने कितना पेल पेल के आपको बताया, बट इसका भी लॉजिक यही है नो एंट्री एंड वाई आई टेल यू। तुम मुझे बताइए, मेरे पास रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स है 10,000 और मेरे पास अनरिकॉर्डेड असेट है, ठीक है, और ये अनरिकॉर्डेड असेट कितने का होता? 10,000। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को लंबे दौर पर ले जाओ तो आप क्या करते, पहले अनरिकॉर्डेड असेट को रियलाइज करते। सपोज अभी हमने क्या किया, असाइन किया, बट लेट्स अज्यूम दैट नॉट असाइंड, आई फर्स्ट सोल्ड द असेट, गॉट द कैश, पेड द लायबिलिटी, कैन आई डू दैट? So my first entry would have been cash oblique bank to realization. Now you'll ask me why? Simple सी बात, मैंने आपको लिखा unrealized, sorry क्या लिखा मैंने, unrecorded asset realized in cash. मेरी entry क्या हुई? Cash to realization. तो क्या बेटा जी मेरी entry सही है क्या? Cash oblique bank to realization. कितना amount हो गया? 10,000. तो इसका मतलब हुआ बेटा जी मैंने पहले empty the balance sheet किया तो मैंने creditors इधर transfer किया. Say yes. फिर बेटा जी मैंने वापस से लिखा बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ये क्या हुआ बेटा मेरे को असेट के पैसे आए क्या? से यस। फिर मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटी को पेमेंट करूंगा तो मेरी एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू कैश बैंक, से यस 10,000 एंड 10,000, और बेटा जी इधर मैं लिख दूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक 10,000। बॉयज एंड गर्ल्स यू प्लीज टेल मी प्रॉफिट कितना हुआ? टेक्निकली समझने की कोशिश करोगे तो लाइबिलिटी क्रेडिट में थी और पेमेंट हो गया, लाइबिलिटी क्रेडिट में थी और पेमेंट हो गया, देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस ऑन दैट,
but the profit will come from unrecorded asset only because it was not existing in my books and now I'm realizing something out of it. So that is my pure profit. जैसे मैं रद्दी बेच के आता था मुझे प्रॉफिट हो जाता था. सो सेम लॉजिक से समझने की कोशिश करो. जब मैं एंट्री को कैश में रियलाइज कर फिर पेमेंट कर रहा हूं लाइबिलिटी का, अल्टीमेटली कैश ऑब्लिक बैंक इज गेटिंग सेटल्ड. सो एंट्री क्रेडिटर्स तो क्रेडिट में था ही क्योंकि एम्प्टी द बैलेंस शीट के वक्त क्रेडिटर्स कहां पे आ गया था? बैलेंस शीट से यहां पर रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया था कि नहीं आया था? तो सिंपल सा गणित क्या है? असेट इज असाइन टू अ लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, नो एंट्री. सर लॉजिक इतना समझा नहीं बट इतना दिमाग में बैठा गया. असेट असाइन टू अ लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, मैंने क्या बोला? नो एंट्री. अगर ये बात ध्यान रख लोगे तो बात खत्म हो जाएगी. सो मैंने इधर क्या बोला, ये असेट रियलाइज्ड इन कैश, इसका हेडिंग लिखूंगा टेकन ओवर बाय पार्टनर. टेकन ओवर बाय होम बाय पार्टनर. और लास्ट वाला कौन सा बेटा जी? असेट. और कौन सी असेट? अनरिकॉर्डेड ना. अनरिकॉर्डेड असेट असाइंड टू लाइबिलिटी, क्या लिखेंगे हम? नो एंट्री. ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बता दो अभी एक एक बार. रियलाइज दी असेट, रियलाइज दी असेट की फर्स्ट एंट्री क्या? कैश ऑब्लिक बैंक टू, फिर नेक्स्ट पार्टनर्स फिगर, पार्टनर्स कैपिटल टू व्हाट? थर्ड असेट असाइन टू अ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड असेट असाइन टू अ लाइबिलिटी, दोनों की नो एंट्री. एंड द थर्ड फोर्थ वन इसके अंदर अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज्ड इन कैश, कैश टू रियलाइजेशन. अनरिकॉर्डेड असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट व्हाट? असाइन टू अ लाइबिलिटी, नो एंट्री. क्या आप ये चार्ट लिख लेंगे? रियलाइज असेट्स. ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी होगी तो पूछ लो. आओ हुजूर तुमको सितारों में दिल झूम जाए. Shall I scroll? ये सब ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी के बेटू?
टेलीग्राम पर थोड़े दिन में कर दूंगा सर. सपोज आई सेल एन अनरिकॉर्डेड एसेट कॉस्टिंग 5000 फॉर 4000, देन माय एंट्री विल बी ओनली कैश डेबिट टू रियलाइजेशन फॉर द, आई मीन वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट और लॉस. व्हाई विल यू रिकॉर्ड द प्रॉफिट और लॉस? आई बिलीव द प्रॉफिट इज ओनली 4000, बिकॉज व्हाट इज नॉट रिकॉर्डेड द एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक टू असेट. कैसे बोलोगे आप? कैश ऑब्लिक बैंक टू रियलाइजेशन ही बोलोगे ना. असेट तो तब बोल सकते हो जब आपके पास असेट अकाउंट मौजूद हो. असेट अकाउंट मौजूद ही नहीं है तो क्या करोगे? 4000 ही प्रॉफिट है. उसमें मुझे प्रूफ करके दिखा दो कि प्रॉफिट 5000 है. अगर किसी चीज की एमआरपी लिखी हुई है 10000, तुम उसको 8000 में खरीद के लाए तो 8000 ही कॉस्ट हुई. किसी चीज का कॉस्ट कुछ भी होगा, आपने जितने में सेल किया उतना ही प्रॉफिट होगा. यू प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड दैट वे सर. इन कैश में टेकन ओवर बाय पार्टनर के पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए. अच्छा, अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज इन कैश में टेकन ओवर बाय पार्टनर. बेटा कैश की जगह अगर पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या है? मतलब कभी भी हम पर्सनल अकाउंट को डेबिट करते हैं, मतलब हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तेरे से पैसा आना बाकी है. अगर कैश आ गई तो एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन. कैश नहीं आई, पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. इट इज ऑब्वियस. एग्रीड? ऑलराइट, नाउ आई एम देयर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. ओके, आई थिंक यहां तक का हुआ. देयर इज वन स्मॉल थिंग व्हिच आई जस्ट वांटेड टू टेल यू. मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन योर लाइफ majority of the strategic decisions in your life will always be taken up in the partial knowledge or partial knowledge of the facts. Are you aware what I'm saying? So this is the beauty of the life, and unfortunately we have messed it up completely. The messing up is, you know, tumhari ye apeksha hai ki tumko sab kuch aana chahiye, तुम्हें सब कुछ प्रॉस एंड कॉन्स पता होना चाहिए, तुम्हारा प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए. और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा बोला गया हमको झूठ है. द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट थिंग्स विच आर डन बाय यू बाय एवरीवन इज डन विदाउट प्लानिंग. यू नेवर स्टार्टेड टॉकिंग विथ प्लानिंग. अगर घर वाले तुमको सिखाते ना बोलना, तो तुम घंटा कभी बोल नहीं पाते. कि जैसे डिसिप्लिन में बोलते चलो चलो क्लास में, चलो अभी बोलना सीखो, ये एक्सपर्ट बैठा है ये सिखाएगा तुमको. यू वुड नेवर हैव अंडरस्टूड हाउ टू वॉक, यू वुड नेवर हैव अंडरस्टूड हाउ टू सिट, यू वुड हैव नेवर अंडरस्टूड हाउ टू स्पीक. इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तुम्हारे टेस्ट अलग है. तुमको फर्स्ट टाइम नींबू दिया या कुछ मीठा खाने के लिए दिया, यू टेस्टेड इट वेरी पेशेंटली. तो मैं आपको सिर्फ आज इतनी सी बात कहकर भेजना चाहता हूं कि बेटा इस पूरे सफर में एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं आपको, कि मेरी कम्युनिकेशन कभी भी आप तक पूरी 100% पहुंचेगी नहीं. अगर ये पहुंचती तो आज हम जिस लेवल पर है कभी भी ऐसे नहीं होते. भगवान की माया बहुत जोरदार है. उन्होंने ऐसे डिजाइन किया सिस्टम को कि कभी भी पूर्वजों की जो भी बातें थी वो सारी हमारे तक कभी पहुंची नहीं. अगर होता तो हमें पता होता पिरामिड्स कैसे बने. नहीं पता हमें. अगर ऐसा होता तो हमें पता होता कि किस तरीके से बाकी की चीजें उन्होंने बनाई, किस तरीके से वो मंदिर बने, निर्माण हुआ. कम्युनिकेशन का लॉस हमेशा होगा. तुमने वो गेम देखा होगा कि यहां से अगर कोई कुछ बोलना शुरू करेगा और वो लास्ट में वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर कान में बोलेंगे तो वो बात कुछ अलग ही हो जाएगी. ये कई सारे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से भी आप तक आया होगा कि कोई एक डांस स्टेप है, किसी ने एक को कर दिखाई, फिर दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, ऐसे करते करते जाता है तो वो बात अलग ही पहुंच जाती. वी आर सब्जेक्ट टू एनवायरमेंट. यू ऑल आर सब्जेक्ट टू एनवायरमेंट. किसी की नींद कम हुई है, कोई आज थका हुआ ट्रैवलिंग करके आया हुआ है, किसी की लाइफ में कुछ और झंडगिरी चल रही है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है. देर आर एन नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर प्लेइंग द रोल इन यू. और उसके वजह से जो कुछ भी मैं बोलूंगा ऑनलाइन लाइव को भी इस बात समझ में आ रही है कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है. दिस इज ऑल नॉर्मल. ये परफेक्टली नॉर्मल. ऐसा होता है. भगवान बनने की कोशिश मत करो. मैं आज आपको पहले यह चीज सिखा रहा हूं कि भाई साहब लेक्चर वन में ही बोल रहा हूं कि विनम्र बनना. अगर चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही है तो दैट इज द साइन दैट यू आर स्टडिंग. चीजें नहीं चलेगी आपके मुताबिक, आप जितना सोचोगे वैसा नहीं होगा. बट जिस दिन आप ये पागलपन करोगे उसके वजह से कि नहीं अभी नहीं करूंगा मैं, उसके बाद में एक साथ पूरा बाद में करूंगा, यह सबसे बड़ी गलती होगी. कोई दूसरा पाथ चुन लोगे कि नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मैं जाके पीडीजीडी में कर लूंगा, इधर ये प्रॉब्लम हो रही वो प्रॉब्लम, मैं अभी बता रहा हूं आपको डे वन को तुमको खाने की प्रॉब्लम होने वाली है. तुमको लगेगा कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं थक गया हूं, बावजूद उसके आपको कंटिन्यू करना है, तब जाके आप स्ट्रांग बनोगे. क्योंकि ये सब चीजें अगर आपके साथ कहीं और जॉब में होती तो आप जॉब छोड़कर नहीं भागते. अनलेस एंड अंटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
बट इस केस में ऐसा मत करना, आपका करियर है। प्लीज अपने आप को डे वन को समझा दीजिए, खुद को डिसिप्लिन में लेके आना और करना। इज दैट ओके? ये सब चीजें आपको होने वाली, मैं ये नहीं कह सकता आपको इस क्लास में कि मैं किसी भी तरीके से आपका डर निकाल लूंगा। आपका डर रहेगा, बट अगर रास्ते पर चलते रहोगे तो जीत जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बाय, प्रेम से बाय बोलो, बाय बाय, लव यू ऑल।